वेलकम टू डुओलिंगो हिंदी। हमारे पास भारतीय इतिहास और भारतीय भूगोल पे वीडियोस है। प्रैक्टिस करने के लिए इस चैनल पे आपको 500 से भी ज्यादा एमसीक्यूज मिलेंगे। हमारे सारे वीडियोस में हिंदी और इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन और नोट्स है। वेलकम एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे इंडियन ज्योग्राफी का 150 एमसीक्यूज। तो इसमें से आप लोग में से कोई अगर बंगाली लैंग्वेज में ज्यादा कंफर्टेबल है तो सेम वीडियो में बंगाली लैंग्वेज में भी मैंने बंगाली लैंग्वेज में भी किया है, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके सेम वीडियो बंगाली में भी देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का जो पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज ऑल्सो कॉल्ड द सॉरो ऑफ बंगाल? ऑप्शन ए गंडक, ऑप्शन बी द सन, ऑप्शन सी द कोसी या फिर ऑप्शन डी दामोदर। निम्नलिखित में से किस नदी को बंगाल का सॉरो भी कहा जाता है? ऑप्शन ए गंडक, ऑप्शन बी सन, ऑप्शन सी द कोसी या फिर ऑप्शन डी दामोदर। तो फिर अगर इसका सही ऑप्शन देखा जाए तो फिर इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी दामोदर रिवर। दामोदर रिवर की बात अगर की जाए तो दामोदर रिवर में आपका डीवीसी स्टार्ट होता है। डीवीसी था आपका दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। ये आपका पहला जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, इंडिया का जो पहला मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है यहीं पर शुरू किया गया था, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन ऑन द दामोदर रिवर्स। तो साउथ बंगाल कौन सा है? तो दामोदर रिवर। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इस इंडिया लार्जेस्ट रिवर बेसिन? ऑप्शन ए है द इंडस, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी द गंगा या फिर ऑप्शन डी कृष्णा नदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत की सबसे बड़ी नदी बेसिन है? ऑप्शन ए इंडस, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी द गंगा या फिर ऑप्शन डी द कृष्णा। तो इसमें सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, गंगा नदी में सबसे बड़ी बेसिन है। इंडिया की सबसे बड़ी रिवर बेसिन है गंगा नदी, और इंडिया का सबसे बड़ी नदी अगर पूछी जाए तो वो भी होगा द गंगा। तो यहाँ पर हम लोग एक बार देख लेंगे तो आप देख ही सकते हैं कि गंगा नदी जो है वो सबसे बड़ी बेसिन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गंगा नदी की जो बेसिन है वो सबसे बड़ी बेसिन है। अगर साउथ इंडिया में कहा जाए या फिर पेनिनसुलर इंडिया में कहा जाए सबसे बड़ी बेसिन किसकी है, तो वो है आपकी गोदावरी बेसिन। साउथ इंडिया में सबसे बड़ी है गोदावरी बेसिन, और अगर पूरे इंडिया में कहा जाए तो फिर पूरे इंडिया में सबसे बड़ी है गंगा बेसिन। फिर क्वेश्चन है, वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक वुलर लेक, वुलर लेक इज लोकेटेड इन? ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है पंजाब या फिर ऑप्शन डी जम्मू एंड कश्मीर। एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील में से एक वुलर झील कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी पंजाब या फिर ऑप्शन डी जम्मू एंड कश्मीर। फिर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी जम्मू एंड कश्मीर। ये एशिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट और इंडिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सा है? तो है वुलर लेक। और वुलर लेक को पानी कहाँ से मिलता है? तो उसको पानी मिलता है आपके झेलम नदी में से। वुलर लेक कहाँ पर है? तो ये है आपके जम्मू एंड कश्मीर में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑरिजिन ऑफ द रिवर नर्मदा? ऑप्शन ए सतपुड़ा, ऑप्शन बी ब्रह्मगिरी, ऑप्शन सी अमरकंटक या फिर ऑप्शन डी स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट। नर्मदा नदी का उद्गम निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए सतपुड़ा, ऑप्शन बी ब्रह्मगिरी, ऑप्शन सी अमरकंटक या फिर ऑप्शन डी स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी ब्रह्मगिरी, सॉरी यहाँ पर सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी अमरकंटक। अगर अमरकंटक की बात की जाए तो फिर जो अमरकंटक प्लेटू है वहाँ से निकलती है नर्मदा नदी, और उसके साथ निकलती है सोन नदी। अगर नर्मदा नदी की बात की जाए तो नर्मदा नदी आपके निकलती है नर्मदा कुंड में से, जो कि है आपके अमरकंटक में, और अमरकंटक कहाँ पर है? तो फिर है आपके मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज अ सॉल्ट वाटर लेक? ऑप्शन ए है आपका सांबर लेक, ऑप्शन बी है आपका डाल लेक, ऑप्शन सी आपका वोला लेक या फिर सी आपका वोला लेक, ऑप्शन डी आपका चिल्का लेक। निम्नलिखित में से कौन सी झील खारे पानी की झील है? ऑप्शन ए है आपका सांबर लेक, ऑप्शन बी आपका डाल लेक, ऑप्शन सी वोला लेक और ऑप्शन डी चिल्का लेक। तो फिर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन है सांबर लेक। और सांबर लेक आपके कहाँ पर है? तो फिर ये है आपके राजस्थान में, राजस्थान में है आपका सांबर लेक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज लॉन्गेस्ट पेनिनसुलर रिवर? ऑप्शन ए है आपका नर्मदा, ऑप्शन बी है कृष्णा, ऑप्शन सी है आपका गोदावरी और ऑप्शन डी है आपका महानदी। निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है? ऑप्शन ए है नर्मदा, ऑप्शन बी है कृष्णा, ऑप्शन सी है गोदावरी या फिर ऑप्शन डी है महानदी। तो अगर सबसे लॉन्गेस्ट पेनिनसुलर रिवर देखा जाए तो फिर आपका ऑप्शन सी गोदावरी। अगर नर्मदा नदी को देखा जाए, नर्मदा नदी आपके इंडिया के जो रिवर्स है उसे दो हिस्से में डिवाइड करती है, एक होती है आपके नॉर्दर्न रिवर्स और एक होते हैं पेनिनसुलर रिवर्स। जो आपके नर्मदा नदी से ऊपर बहती है नॉर्थ के साइड पर बहती है उसे कहते हैं नॉर्दर्न रिवर्स, और जो नर्मदा नदी से नीचे बहती है साउथ के तरफ में उन्हें कहा जाता है पेनिनसुलर रिवर्स। तो अगर पेनिनसुलर रिवर देखा जाए तो सबसे बड़ी है उसमें गोदावरी, इसलिए गोदावरी को आपके दक्षिण गंगा, क्योंकि उससे गंगा नदी से कंपेयर किया जाता है, क्योंकि नॉर्थ में वो सबसे लंबी है, यहाँ साउथ में सबसे लंबा है आपकी गोदावरी नदी, दक्षिण गंगा और कई जगह पर वृद गंगा भी कहा जाता है गोदावरी नदी को। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिवर आइलैंड ऑफ द ब्रह्मपुत्र? ऑप्शन ए मांजुली, ऑप्शन बी मिनिकॉय आइलैंड, ऑप्शन सी नेत्रानी आइलैंड या फिर ऑप्शन डी इसु कटिप्पा आइलैंड। निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मपुत्र का नदी द्वीप है? ऑप्शन ए मांजुली आइलैंड, ऑप्शन बी मिनिकॉय आइलैंड, ऑप्शन सी नेत्रानी आइलैंड या फिर ऑप्शन डी इसुकाटिया आइलैंड। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए मांजुली आइलैंड। तो फिर मांजुली आइलैंड की बात अगर की जाए, मांजुली आइलैंड एक रिवर आइलैंड है, और यह दुनिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट रिफराइन आइलैंड है। रिफराइन आइलैंड मतलब हम लोग जो आइलैंड पढ़ते हैं वो ज़्यादातर हम लोग सी और ओशन में देखते हैं, पर एक आइलैंड जो कि आपके नदी में है उसे कहा जाता है रिफराइन आइलैंड। तो पूरे दुनिया में सबसे बड़ा रिफराइन आइलैंड कौन सा है? तो फिर वो है आपका माजोली आइलैंड। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट्स एज वेल एज एंड्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया?
ऑप्शन ए है आपका ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी है आपका इंडस, ऑप्शन सी है आपका कोसी या फिर ऑप्शन डी चंबल। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत के क्षेत्र में समाप्त होती है? ऑप्शन ए है आपका ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी है आपका इंडस, ऑप्शन सी है आपका कोसी या फिर ऑप्शन डी चंबल। तो सबसे पहले अगर ब्रह्मपुत्र की बात की जाए तो ब्रह्मपुत्र स्टार्ट होता है टिबेट में और खत्म होता है आपके बांग्लादेश में, तो ये तो नहीं होगा। सेकंड अगर देखा जाए इंडस, इंडस भी स्टार्ट होता है आपके टिबेट में और खत्म होता है जाके आपके पाकिस्तान में, तो ये भी नहीं होगा। अगर कोसी नदी की बात की जाए तो ये स्टार्ट होता है नेपाल में, जाके मिल जाता है गंगा से, तो यहाँ पर बोला है ओरिजिनेट्स एज वेल एज एंड, तो ये एंड तो होता है इंडिया में पर ओरिजिनेट होता है नेपाल में, तो ये भी नहीं होगा। फिर आखिरी बच जाता है चंबल, तो चंबल ही सही ऑप्शन है क्योंकि चंबल स्टार्ट होता है आपके मध्य प्रदेश में और जाके मिलता है वो गंगा नदी से, तो आप देख सकते हैं इसका ओरिजिनेट और खत्म भी होता है ये इंडिया में। Which of the following river is known as दक्षिण गंगा? ऑप्शन ए कृष्णा, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी गोदावरी या फिर ऑप्शन डी कावेरी। निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए कृष्णा, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी गोदावरी या फिर ऑप्शन डी कावेरी। तो फिर इसका सही आंसर आई होप आप सबको पता होगा, थोड़ी देर पहले हम लोग ने डिस्कस किया था, यह है आपकी गोदावरी नदी। गोदावरी नदी की और एक बात है, दिस इज द सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, और अगर पेनिनसुला में पेनिनसुला इंडिया का देखा जाए तो फिर पेनिनसुला इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। इंदिरा सागर डैम लोकेटेड इन मध्य प्रदेश इज बिल्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? ऑप्शन ए है आपका यमुना, ऑप्शन बी है चंबल, ऑप्शन सी है नर्मदा या फिर ऑप्शन डी कृष्णा। मध्य प्रदेश में स्थित इंदिरा सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन ए है आपका यमुना, ऑप्शन बी है चंबल, ऑप्शन सी है आपका नर्मदा या फिर ऑप्शन डी कृष्णा। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर पर बनाया गया है इंदिरा सागर डैम और ये लोकेटेड है आपके मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कृष्णा राजा सागर डैम लोकेटेड इन कर्नाटका इज बिल्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? ऑप्शन ए कावेरी, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी कृष्णा या फिर ऑप्शन डी महानदी। कर्नाटक में स्थित कृष्णा राजा सागर डैम निम्न में से किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन ए कावेरी, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी कृष्णा या फिर ऑप्शन डी महानदी। तो अगर इसका सही आंसर देखा जाए तो फिर इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कावेरी, कावेरी नदी पर है आपका कृष्णा राजा सागर डैम। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज द होम फॉर फ्रेश वाटर डॉल्फिन्स? ऑप्शन ए है आपका ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी है आपका यमुना, ऑप्शन सी है आपका गंगा या फिर ऑप्शन डी साबरमती। मीठे पानी की डॉल्फिन निम्नलिखित में से किस नदी के घर है? ऑप्शन ए है आपका ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी है आपका यमुना, ऑप्शन सी है आपका गंगा या फिर ऑप्शन डी है साबरमती। तो फिर अगर इसमें देखा जाए फ्रेश वाटर डॉल्फिन का घर कौन सा है, तो फिर वो है आपकी गंगा नदी पे। इंडिया का अगर नेशनल एक्वेटिक एनिमल देखा जाए, एक्वेटिक एनिमल, तो वो भी है आपके गंगा डॉल्फिन, यह नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर अजमेर इज सिचुएटेड? ऑप्शन ए में लूनी, ऑप्शन बी में गंगा, ऑप्शन सी में तिस्ता, ऑप्शन डी में ब्यास। निम्नलिखित में से किस नदी पर अजमेर स्थित है? ऑप्शन ए लूनी, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी तिस्ता या फिर ऑप्शन डी ब्यास। तो अगर देखा जाए अजमेर कहाँ पर स्थित है, तो फिर होगा आपका ऑप्शन ए लूनी। ये बहुत ही कॉमन टाइप का क्वेश्चन होता है जिसमें सिटी दे देता है और बोलता है कौन से फेमस रिवर के पास वो लोकेटेड है। तो आप लोग जब नोट्स बनाएंगे आप लोग एक काम कर सकते हैं, एक तरफ आप सिटी लिख लीजिए और दूसरी तरफ लिख लीजिए रिवर। तो सिटीज में लिख लीजिए कौन से सिटीज है और बगल में रिवर्स में कौन से रिवर्स से वो फ्लो होते हैं, मतलब कौन से रिवर्स उनके पास रहता है। एज वेल इज सिचुएटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर बैंक? ऑप्शन ए मेघना, ऑप्शन बी त्वांग हो, सॉरी ऑप्शन बी तुलांग रिवर, ऑप्शन सी वांग हो, ऑप्शन डी इरावाडी। एज वेल निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे पर स्थित है? ऑप्शन ए मेघना, ऑप्शन बी तुलांग रिवर, ऑप्शन सी वांग हो या फिर ऑप्शन डी इरावाडी। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी वांग हो, वांग हो रिवर है एज वेल के करीब। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, एट विच प्लेस अलकनंदा एंड भागीरथी मीट एंड टेक द नेम गंगा? ऑप्शन ए देवप्रयाग, ऑप्शन बी प्रयागराज, ऑप्शन सी हरिद्वार या फिर ऑप्शन डी ऋषिकेश। अलकनंदा और भागीरथी किस स्थान पर मिलते हैं और गंगा नाम लेते हैं? ऑप्शन ए देवप्रयाग, ऑप्शन बी प्रयागराज, ऑप्शन सी हरिद्वार या फिर ऑप्शन डी ऋषिकेश। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए देवप्रयाग। तो ये एक बार डायग्राम में हम लोग देख लेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं गंगा नदी में। तो अगर सबसे पहले बात की जाए बद्रीनाथ से अलकनंदा निकलती है और धौलीगंगा से मिलती है तो विष्णुप्रयाग पे मिलती है। धौलीगंगा और नदी जहाँ पर मिलती है वो है आपका विष्णुप्रयाग, फिर वहाँ से अलकनंदा नदी बनती है। अलकनंदा नदी आगे जाके जब नंदाकिनी नदी से मिलती है उस जगह को कहा जाता है आपका नंदप्रयाग। अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है और जाके वो जहाँ पिंडार गंगा से मिलती है उस जगह को कहा जाता है कर्णप्रयाग। अलकनंदा नदी कर्णप्रयाग से मिलने के बाद जब आगे बढ़ती है और अलकनंदा नदी और मंदाकिनी, यहाँ पर आप देख सकते हैं मंदाकिनी नदी जहाँ पर मिलती है वो है आपका रुद्र प्रयाग। फिर अलकनंदा नदी आगे बढ़ के जहाँ पर भागीरथी नदी से आपकी मिलती है उस जगह को कहा जाता है आपका देवप्रयाग और इसी जगह से स्टार्ट होता है आपका माँ गंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट डिसॉल्व आयरन इन द ओशियन? ऑप्शन ए है आपका क्लोरीन, ऑप्शन बी है आपका ब्रोमीन, ऑप्शन सी है आपका सोडियम, ऑप्शन डी है आपका कैल्शियम। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर में सबसे प्रचुर मात्रा में विद्युत आयन है? ऑप्शन ए क्लोरीन, ऑप्शन बी ब्रोमीन, ऑप्शन सी सोडियम या फिर ऑप्शन डी कैल्शियम। तो फिर अगर सही आंसर देखा जाए तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सोडियम। अगला क्वेश्चन है, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया?
ऑप्शन ए है आपका नाइल, ऑप्शन बी है आपका गंगा, ऑप्शन सी आपका वांगहो, या फिर ऑप्शन डी है आपका ब्रह्मपुत्र। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए है आपका नाइल, ऑप्शन बी आपका गंगा, ऑप्शन सी आपका वांगहो, या फिर ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। तो फिर यहाँ पर अगर सही आंसर देखा जाए तो फिर है आंसर ऑप्शन बी गंगा नदी। और यहाँ पर सिर्फ एक वर्ड अगर चेंज कर देता विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर फ्लोइंग इन इंडिया, तब यहाँ पर आंसर हो जाता आपका पहला होता इंडस, सेकंड पे आता ब्रह्मपुत्र और तीन नंबर पे आता गंगा नदी। पर यहाँ पर ये विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया सिर्फ दिया, तो फिर आपका आंसर होगा ऑप्शन बी गंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा दैट राइजेस फ्रॉम द हरिकिदून वैली एंड होल्ड्स वाटर फ्रॉम मोर देन द मेन स्ट्रीम दैट इट मर्जेस आफ्टर क्रॉसिंग नियर देहरादून। ऑप्शन ए है यमुना, ऑप्शन बी है गोमती, ऑप्शन सी है सन, ऑप्शन डी है दामोदर। तो यहाँ पर सही आंसर होगा यमुना। ये अगर आप क्वेश्चन देखें ऑप्शन ए यमुना, तो ये अगर आप लोग क्वेश्चन देखें तो ये क्वेश्चन पूरा विकिपीडिया से लिया हुआ है, सिर्फ ये वाला पोर्शन छोड़ के बाकी जो ट्रिब्यूटरी से देहरादून तक का पोर्शन है ये पूरा आप विकिपीडिया पे देखेंगे तो ये पूरा वहीं से कॉपी पेस्ट किया गया। तो ऐसे काफी आपको क्वेश्चन आ जाएंगे जहाँ आपको विकिपीडिया से क्वेश्चन आते हैं, तो आपको नेट और बहुत सारी फैसिलिटीज जो मिली है वो सारे आपको यूज करके पढ़ाई करना है और सिर्फ किताबों की पढ़ाई नहीं करना है, किताबों तक पढ़ाई लिमिटेड नहीं रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया आफ्टर रिवर गंगा हैविंग इट्स सोर्स एट त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र। ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी सरस्वती, ऑप्शन डी तापी। निम्नलिखित में से कौन भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी सरस्वती, ऑप्शन डी तापी। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो हिंदी में जो क्वेश्चन है उसको मैंने थोड़ा सा साइज में छोटा कर लिया और उसको डायरेक्ट क्वेश्चन बना लिया। जब पूरा क्वेश्चन देखा जाए यहाँ पर ये तो बोला है सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया कौन सा है, और दूसरा ऑप्शन ये भी हम लोग को दे दिया है कि उसका जो सोर्स है वो है आपके त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र में। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए गोदावरी नदी। गोदावरी नदी इज द सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर आफ्टर गंगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज अ पेनिनसुलर रिवर ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी इंडस, ऑप्शन सी महानदी, या फिर ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत की एक प्रायद्वीपीय नदी है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी इंडस, ऑप्शन सी महानदी, ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। तो मैंने तो पहले ही बता दिया था आप लोग को कि जो डिवाइड होता है वो नर्मदा नदी से डिवाइड होता है, नर्मदा नदी के साउथ में जो रहते हैं उन्हें पेनिनसुलर रिवर्स कहा जाता है। तो कहा गया कौन सा पेनिनसुलर रिवर है? अगर गंगा की बात करें तो ये आपको पता ही है कि सेंट्रल के साइड में और इंडिया के ईस्टर्न साइड में बहती है, तो ये तो आपका आंसर नहीं होगा, गंगा आंसर नहीं होगा। फिर अगर देखा जाए इंडस नदी के बारे में तो इंडस नदी आपके कश्मीर से बहती है और कश्मीर पंजाब हरियाणा ये सब एरिया से, हिमाचल प्रदेश, तो पूरे नॉर्दर्न साइड के बहुत सारे स्टेट से बहती है, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा अगर महानदी के बारे में देखा जाए तो महानदी आपकी बहती है उड़ीसा में से, तो फिर पेनिनसुला रिवर कौन सा हो गया? ऑप्शन सी महानदी। ब्रह्मपुत्र का अगर देखा जाए तो फिर ये नॉर्थ ईस्ट से बहती है, तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर सही आंसर हो गया आपका महानदी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा? ऑप्शन सॉरी ट्रिब्यूटरी यहाँ डिस्ट्रीब्यूटरी, ये बहुत जल्द मिस्टेक कर देता है जल्दी जल्दी में, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर पूछा गया है विच इज द डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ गंगा। ऑप्शन ए है आपका हुगली, ऑप्शन बी है आपका पद्मा, ऑप्शन सी है आपका कोसी, ऑप्शन डी है आपका यमुना। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की एक वितरण नदी है? ऑप्शन ए है आपका हुगली, ऑप्शन बी है आपका पद्मा, ऑप्शन सी है आपका कोसी, ऑप्शन डी है आपका यमुना। तो फिर अगर यहाँ पर सही ऑप्शन देखा जाए तो फिर यहाँ पर सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए हुगली नदी। अभी पहले समझते हैं ये डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होता है। कोई भी नदी जो होती है वो नदी को बहुत जगह से छोटे छोटे जो नदी होते हैं उसको ज्वाइन करते हैं और अपने अंदर जितना पानी होता है उस मेन नदी में ज्वाइन करते हैं। इन नदियों को कहा जाता है आपका ट्रिब्यूटरीज, जो मेन नदी को ज्वाइन करता है। मेन नदी बहुत से टाइम पे अलग अलग हो जाती है और अलग अलग डायरेक्शंस में जाने लगती है, और ये अलग अलग डायरेक्शंस में जो जाती है ये नदी फिर से एक साथ नहीं मिलती है, मतलब ये अलग ही रहती है। इन्हें कहा जाता है आपका डिस्ट्रीब्यूटरी। अगर गंगा नदी की बात की जाए तो गंगा नदी की दो डिस्ट्रीब्यूटरी है, एक है आपका हुगली और एक है आपकी भागीरथी रिवर, भागीरथी रिवर। तो यहाँ पर अगर बात किया जाए हुगली जो है वो इंडिया में रह जाता है और भागीरथी रिवर चल जाती है आपके बांग्लादेश में। तो यहाँ पर पूछा है कि गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी कौन सी है, यहाँ पर सही आंसर होगा आपका ऑप्शन है हुगली। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर फॉर्म्स एन एस्टुअरी? ऑप्शन ए है आपका कावेरी, ऑप्शन बी है आपका नर्मदा, ऑप्शन सी है आपकी महानदी और ऑप्शन डी आपकी कृष्णा नदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक मुहाना बनाती है? ऑप्शन ए है कावेरी, ऑप्शन बी है नर्मदा, ऑप्शन सी है महानदी या फिर ऑप्शन डी है आपकी कृष्णा नदी। तो फिर यहाँ पर सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी नर्मदा नदी। जो नदी होते हैं उन्हें फिर से दो हिस्से में डिवाइड किया जा सकता है, एक होता है आपका वेस्ट फ्लोइंग रिवर और एक होता है वेस्ट फ्लोइंग ईस्ट फ्लोइंग रिवर। तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर जितने होते हैं ये सब जाके गिरते हैं आपके अरेबियन सी में, और जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स होते हैं ये जाके गिरते हैं आपके बे ऑफ बंगाल में। दूसरा अगर डिफरेंस देखा जाए जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर होते हैं ये सारे रिवर जो है एस्टुअरीज बनाते हैं, और जितने ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स होते हैं ये सब रिवर्स बनाती है आपकी डेल्टा। तो अगर वेस्ट फ्लोइंग रिवर कहा जाए तो सबसे बड़ा जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है इंडिया में वो है आपकी नर्मदा। अब ये एस्टुअरीज और डेल्टा समझने के लिए डायग्राम देख लेंगे। डेल्टास अगर हम लोग बात करें तो डेल्टास में जो पानी है वो बहुत ही स्लो तरीके से आपके ओशन या फिर सी में जाके मिलती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बहुत ही स्लो स्पीड में जाती है और जाके ओशन या सी में मिलती है, पर जो एस्टुअरी होते हैं इसमें जो पानी होता है ये काफ़ी स्पीड में जाती है। ये आप देख सकते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन बनी हुई है और स्ट्रेट जाके आपके ओशन या सी में जाके मिल जाती है और काफ़ी ज़्यादा स्पीड में रहती है।
डेल्टा जैसे मैंने बताया कि स्पीड बहुत ही कम होता है, इसलिए इसके साथ जो सॉइल होता है रिवर का सॉइल, ये वो ओशन और सी के सामने डिपोजिट कर देती है और फिर जाके सी या ओशन में मिल जाती है। इसलिए जो आसपास का एरिया होता है यहाँ का, ये यहाँ पर बहुत सारा सॉइल जो है वो डिपॉजिट करती है और लैंड एरिया को आस्ते आस्ते इंक्रीज होता है। पर जैसे मैंने एस्टुअरी में बताया, ऐसा कोई स्पीड स्लो नहीं होता, ये काफ़ी स्पीड से मिलती है, किसी भी तरह का सॉइल डिपोजिशन नहीं होता। ये आप देख सकते हैं, ये जो एरिया ये कितना वाइड कर देता है फॉर द वाटर टू फ्लो आउट, मतलब बहुत स्पीड में जाता है तो काफ़ी पानी बाहर निकालने के लिए ये काफ़ी स्पीड में पानी को बाहर निकाल देता है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली रिवर इन इंडिया दैट रन्स इन अ रिफ्ट वैली। इस क्वेश्चन को और एक बार देख लेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली रिवर इन इंडिया दैट रन्स इन अ रिफ्ट वैली रनिंग वेस्ट अमिड द विंध्य एंड सतपुड़ा माउंटेन रेंजेस। ऑप्शन ए है आपका गोदावरी, ऑप्शन बी है आपका नर्मदा, ऑप्शन सी है आपका सरस्वती, या फिर ऑप्शन डी है आपका कोसी। निम्नलिखित में से क्या भारत की एकमात्र नदी है जो विंध्य और सतपुड़ा पर्वत की सीमाओं के बीच पश्चिम में चल रही एक घाटी में चलती है? आपका पहला ऑप्शन है गोदावरी, दूसरा ऑप्शन है नर्मदा, तीसरा ऑप्शन है सरस्वती, ऑप्शन डी है आपका कोसी। तो यहाँ पर सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी नर्मदा। ये जो क्वेश्चन है इसको अच्छे तरीके से याद रखिए, इसके बाद हम लोग मैप देखेंगे और मैप में देख लेंगे कि कैसे मिलाते हैं। पहला पॉइंट है रनिंग वेस्ट और ये दूसरा पॉइंट है कि विंध्य और सतपुड़ा माउंटेन जो है इनके बीच में है। अब इसका मैप देख लेंगे ताकि ये क्लियरली हम लोग हमेशा याद रखें। तो पहला आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आप इंडिया के मिड पोर्शन में हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं आप विंध्य रेंज है और ठीक विंध्य रेंज के नीचे है आपका सतपुड़ा रेंज। विंध्य और सतपुड़ा रेंज के बीच में एक नदी निकल रही है, ये देखिए नर्मदा नदी। नॉट श्योर आप देख पा रहे कि नहीं, पर ये जहाँ मैंने हाईलाइट किया वो देख लीजिए, वहीं पे है आपका नर्मदा नदी। तो ये जो विंध्य रेंज है और विंध्य रेंज और सतपुड़ा रेंज के बीच में, और पहला स्टेटमेंट क्या था कि ये वेस्ट की तरफ बह रही है, तो ये नर्मदा नदी जो है वेस्ट की तरफ बह रही है, जाके मिल जाती है आपके अरेबियन सी में। ऑन विच रिवर नेशनल वाटरवे वन इज लोकेटेड? ऑप्शन ए है आपका गंगा, ऑप्शन बी आपका महानदी, ऑप्शन सी आपका बैरक, या फिर ऑप्शन डी है नर्मदा। राष्ट्रीय जलमार्ग एक किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए यहाँ पे गंगा, ऑप्शन बी आपका महानदी, ऑप्शन सी आपका बैरक, या फिर ऑप्शन डी है आपका नर्मदा। आपका सही आंसर होगा गंगा नदी पर। और ये किस किन जगह को जोड़ता है? ये जोड़ता है आपके प्रयागराज और हल्दिया, इन दोनों जगह को ये जोड़ता है नेशनल वाटरवे वन NW1। ऑन विच रिवर हीराकुंड डैम इज सिचुएटेड? ऑप्शन ए है आपका मेघना, ऑप्शन बी आपका महानदी, ऑप्शन सी आपका कृष्णा, या फिर ऑप्शन डी आपका कावेरी। हीराकुंड बांध किस नदी पे स्थित है? ऑप्शन ए है आपका मेघना, ऑप्शन बी है आपका महानदी, ऑप्शन सी आपका कृष्णा, या फिर ऑप्शन डी आपका कावेरी। तो हीराकुंड डैम की अगर बात की जाए तो फिर है वो महानदी में, महानदी रिवर जो कि आपके उड़ीसा में, तो ऑब्वियसली हीराकुंड डैम जो भी है वो भी है आपके उड़ीसा में। इसे याद रखने के लिए आसान तरीका यही है कि ये नदी आप देखिए कि बहुत ही महान नदी है, इसलिए महान नदी पर जो बांध बनेगा वो भी महान होगा, तो इसलिए वो इतना महान है उसका बाद उसे हीरा से कंपेयर किया जाता है, इसलिए इसका नाम हो गया हीराकुंड डैम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज एन इंडोहेरिक रिवर ऑफ द वेस्टर्न राजस्थान स्टेट इंडिया दैट ऑरिजिनेट्स इन द पुष्कर वैली ऑफ द अरावली रेंज नियर अजमेर? ऑप्शन ए है आपका लूनी, ऑप्शन बी आपका घाघर, ऑप्शन सी आपका हकला, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत की पश्चिमी राजस्थान राज्य की एक सहायक नदी है जो अजमेर के पास अरावली रेंज के पुष्कर घाटी में उत्पन्न होती है? ऑप्शन ए है आपका लूनी, ऑप्शन बी है आपका घाघर, ऑप्शन सी है आपका हाकड़ा, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। इसमें अगर सही आंसर देखा जाए तो ये होगा आपका लूनी। इंडोहेरिक रिवर मतलब समझते हैं, इंडोहेरिक रिवर मतलब वो रिवर्स होते हैं जो किसी सी या ओशन में जाके नहीं मिलते, क्योंकि जितने आप रिवर्स देखेंगे ज़्यादातर ऐसे रिवर्स होते हैं जो जाके फाइनली सी या ओशन में जाके मिलते हैं, पर ये रिवर्स जो होते हैं ये किसी भी सी या ओशन में जाके नहीं मिलते। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली पेरिनियल रिवर ऑफ द स्टेट विच एंटर्स राजस्थान एट चौरासीगढ़? ऑप्शन ए लूनी, ऑप्शन बी घाघर, ऑप्शन सी हकरा, ऑप्शन डी चंबल। निम्नलिखित में से कौन से राज्य की एकमात्र बारहमासी नदी है जो चौरासीगढ़ में राजस्थान में प्रवेश करती है? ऑप्शन ए है आपका लूनी, ऑप्शन बी है घाघर, ऑप्शन सी है हकड़ा, या फिर ऑप्शन डी है आपका चंबल। तो यहाँ पर सही आंसर अगर देखा जाए तो फिर यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन डी चंबल। चंबल नदी की बात की जाए तो चंबल नदी स्टार्ट होती है आपके मध्य प्रदेश में और फाइनली जाके मिलती है वो आपके गंगा नदी से, तो इसके बीच में वो राजस्थान से भी फ्लो होती है और वो है ओनली पेरिनियल रिवर। पेरिनियल रिवर मतलब जिसमें हर एक टाइम पे पानी रहता है और ये सीजन पे डिपेंड नहीं होता, मतलब हर एक टाइम पानी रहता है और ये नदी कभी सूखते नहीं है, जैसे बहुत सारे नदी जो होते हैं वो सीजनल नदी होते हैं, सीजनल रिवर। इसका मतलब बारिश के टाइम में इन नदियों में पानी मिलता है और जब बारिश नहीं होता तब ये नदियाँ जो है सूख जाती है, इन्हें कहा सीजनल रिवर। और जो इनके ठीक उल्टे होते हैं मतलब इनमें पानी कभी नहीं सूखता वो होते हैं आपके पेरिनियल रिवर। विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस हैज नेवर गॉट द वर्टिकल डेज ऑफ द सन? ऑप्शन ए है आपका श्रीनगर, ऑप्शन बी है आपका मुंबई, ऑप्शन सी है आपका चेन्नई, या फिर ऑप्शन डी है आपका त्रिवेणीपुरम। निम्नलिखित में से किस स्थान पर सूरज की अधिक किरणें कभी नहीं मिली है?
ऑप्शन ए श्रीनगर, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी तिरुवनंतपुरम। अगर इंडिया की बात की जाए, इंडिया को कहा जाता है सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट और सब ट्रॉपिकल कंट्री, इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ इंडिया से आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है ये गुजरात, वेस्ट बंगाल ऐसे गुजरता है। तो आप एक आइडिया कर सकते हैं कि कौन सा एरिया तक आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रहता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जहाँ तक रहता है वहाँ तक तो डायरेक्ट संदेश रहता है, पर आस्ते आस्ते वो इंडायरेक्ट होते रहता है। संदेश जो होते हैं वो सारे इंडायरेक्ट होते रहते हैं। तो आप समझ ही सकते हैं जो श्रीनगर है, श्रीनगर आपके इंडिया के एकदम नॉर्दर्न एक्सट्रीम में है और नॉर्दर्न साइड पर, इसलिए जो डायरेक्ट संदेश होते हैं डायरेक्ट संदेश कभी भी आपके श्रीनगर में नहीं पड़ता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर डिवाइडेड बाय द रेडक्लिफ लाइन? ऑप्शन ए इंडियन पाकिस्तान, ऑप्शन बी इंडियन चाइना, ऑप्शन सी इंडियन श्रीलंका या फिर ऑप्शन डी इंडियन नेपाल। निम्नलिखित में से कौन सा देश रेडक्लिफ रेखा से विभाजित है? ऑप्शन ए इंडियन पाकिस्तान, ऑप्शन बी इंडियन चाइना, ऑप्शन सी इंडियन श्रीलंका या फिर ऑप्शन डी इंडियन नेपाल। तो फिर अगर देखा जाए बॉर्डर रेडक्लिफ लाइन है इंडियन पाकिस्तान, इंडियन पाकिस्तान छोड़ के भी दूसरे इंपॉर्टेंट बॉर्डर लाइन है जो आप लोग को जान देना चाहिए। तो अगर आप ये एरिया देखेंगे, ये जो इंडिया और पाकिस्तान में बॉर्डर शेयर होता है इसे कहा जाता है आपका रेडक्लिफ लाइन। ये जो छोटा सा एरिया देख रहे हैं, जो छोटा सा लैंड बॉर्डर शेयर होता है वो होता है आपके अफगानिस्तान के साथ, इसे कहा जाता है आपका बॉर्डर लाइन। उसके ऊपर आप ताजिकिस्तान देख सकते हैं, पर ताजिकिस्तान के साथ इंडिया का कोई बॉर्डर नहीं है और लैंड बॉर्डर शेयर नहीं कर सकता विद ताजिकिस्तान। इसके बाद आप जितना भी बॉर्डर देख रहे हैं, ये जो पूरा बॉर्डर है ये पूरा है आपके चाइना के साथ, और इसे कहा जाता है LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। फिर हम लोग अगर देखेंगे यहाँ पर हम लोग जो बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं इसे भी कहा जाता है आपका रेडक्लिफ लाइन। इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो बॉर्डर है इसे कहा जाता है आपका बाल्क स्ट्रेट। अगर लैंड बॉर्डर की बात की जाए तो सबसे छोटा जो लैंड बॉर्डर है हमारा अफगानिस्तान के साथ है, और सबसे बड़ा जो लैंड बॉर्डर है हमारा वो है आपके बांग्लादेश के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर डिवाइडेड बाय द डूरन लाइन? ऑप्शन ए अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, ऑप्शन बी इंडियन पाकिस्तान, ऑप्शन सी इंडियन चाइना, ऑप्शन डी इंडियन बर्मा। निम्नलिखित में से कौन सा देश डूरन रेखा से विभाजित है? ऑप्शन ए अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, ऑप्शन बी इंडियन पाकिस्तान, ऑप्शन सी इंडियन चाइना, ऑप्शन डी इंडियन बर्मा। तो आपको पता ही है कि इंडियन अफगानिस्तान के बीच में जो लाइन है उसे कहा जाता है डूरन लाइन। ये याद रखना होगा कि अफगानिस्तान जो है वो इंडिया का हिस्सा था, पर बाद में वो इंडिया से अलग हो गया था, और उस वक्त पाकिस्तान इंडिया का हिस्सा था पर बाद में पाकिस्तान भी अलग हो गया था, और इसलिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में अभी तक जो बॉर्डर लाइन है उसे कहा जाता है डूरन लाइन। तो यहाँ पर सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वेयर इज इंडियाज परमानेंट रिसर्च सेंटर दक्षिण गंगोत्री? ऑप्शन ए है आपका ग्रेट हिमालयस, ऑप्शन बी है आपका इंडियन ओशन, ऑप्शन सी है आपका एंटार्क्टिका या फिर ऑप्शन डी है आपका अरेबियन सी। भारत के स्थाई अनुसंधान सेंटर दक्षिण गंगोत्री कहाँ है? ऑप्शन ए है आपका ग्रेट हिमालयस, ऑप्शन बी है आपका इंडियन ओशन, ऑप्शन सी है आपका एंटार्क्टिका या फिर ऑप्शन डी है आपका अरेबियन सी। तो यहाँ पर अगर सही आंसर देखा जाए तो फिर होगा आपका ऑप्शन सी एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका को कहा जाता है आपका दक्षिण गंगोत्री, आप नाम से याद रख सकते हैं क्योंकि एंटार्क्टिका आपको पता ही है कि साउथ की तरफ है, और गंगोत्री इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो भी एक ग्लेशियर है और गंगोत्री भी एक ग्लेशियर है, इसलिए उसे नाम दिया गया दक्षिण गंगोत्री जो आपका रिसर्च सेंटर है अंटार्कटिका में। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट टचेस द बाउंड्रीज ऑफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ अदर स्टेट्स? ऑप्शन ए आपका आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है आपका बिहार, ऑप्शन सी है आपका मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है आपका उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य अन्य राज्यों की अधिकतम संख्या की सीमाओं को छूता है? ऑप्शन ए है आपका आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है आपका बिहार, ऑप्शन सी है आपका मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है आपका उत्तर प्रदेश। तो फिर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की बात अगर की जाए तो फिर 8 स्टेट्स ऑफ इंडिया के साथ इसका बॉर्डर शेयर होता है। हम लोग एक बार मैप में इस चीज़ को देख लेंगे ताकि हम लोग का अच्छे तरीके से समझ में भी आ जाए और हमेशा याद भी रहे। अगर सबसे पहले उत्तर प्रदेश की बात की जाए, उत्तर प्रदेश के साथ जो पहला बॉर्डर है हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं उत्तराखंड के साथ उसका बॉर्डर है। फिर आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश के साथ भी उसका छोटा सा बॉर्डर का लिंक है, तो दूसरा स्टेट हो गया आपका हिमाचल प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, फिर तीसरा आप देख सकते हैं यहाँ पर हरियाणा के साथ भी उत्तर प्रदेश का बॉर्डर शेयर है, तो तीसरा स्टेट हो गया हरियाणा। यहाँ आप देख सकते हैं कि राजस्थान भी है, चौथा स्टेट हो गया आपका राजस्थान, फिर आ गया उसके ठीक नीचे मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के साथ आप देख सकते हैं बॉर्डर शेयर होता है, तो आ गया आपका मध्य प्रदेश, फिर छोटा सा पोर्शन जो रहता है यहाँ पर आ गया आपका छत्तीसगढ़, फिर अगर यहाँ पर देखिए छोटा सा पोर्शन जो है झारखंड के साथ भी शेयर होता है, ये आ गया आपका झारखंड, और अगर 8 नंबर स्टेट देखा जाए तो फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं बिहार के साथ भी बॉर्डर शेयर होता है, तो टोटल हो गए 8 स्टेट। अगर यूनियन टेरिटरी की बात की जाए यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यू दिल्ली के साथ भी उसका बॉर्डर शेयर होता है, और कंट्री की अगर बात की जाए तो कंट्रीज में नेपाल के साथ उसका बॉर्डर शेयर होता है उत्तर प्रदेश का। तो कंट्रीज अगर बताया जाए तो फिर एक ही कंट्री जिसके साथ उसका बॉर्डर शेयर होता है वो होता है नेपाल, यूनियन टेरिटरी भी एक है जो है न्यू दिल्ली, और स्टेट्स अगर देखा जाए तो 8 स्टेट के साथ उत्तर प्रदेश अपना बॉर्डर शेयर करता है। वेर इज द डंकन पास लोकेटेड? ऑप्शन ए है आपका साउथर्न लिटिल अंडमान, ऑप्शन बी है आपका नॉर्थर्न साउथ अंडमान, ऑप्शन सी आपका नॉर्थर्न मिडिल अंडमान या फिर ऑप्शन डी है आपका अंडमान एंड निकोबार। डंकन पास कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है आपका साउथर्न लिटिल अंडमान, ऑप्शन बी है आपका नॉर्थर्न साउथ अंडमान, ऑप्शन सी है आपका नॉर्थर्न मिडिल अंडमान, ऑप्शन डी है आपका अंडमान एंड निकोबार। तो इसका सही आंसर होगा डंकन पास है साउथ एंड लिटिल अंडमान में। तो इसको भी समझने के लिए एक बार मैप देख लेंगे हम लोग।
ये आपके अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की अगर बात की जाए तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आपके ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है। कुछ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को एक साथ मिला दिया गया और उनको एक साथ बोला जाता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो यहाँ पर अगर सबसे ऊपर देखा जाए तो ये वाला जो आइलैंड है, ये जो एरिया है, इसे कहा जाता है आपका नॉर्थ अंडमान, नॉर्थ अंडमान। उसके नीचे जो एरिया है ये वाला, इसे कहा जाता है आपका मिडिल अंडमान। उसके नीचे जो है उसे कहा जाता है आपका साउथ अंडमान, और एकदम जो लास्ट के पोर्शन में उसे कहा जाता है आपका लिटिल अंडमान। तो ये जो साउथ और लिटिल अंडमान के बीच में आप स्पेस देख रहे हैं, इसी पूरे एरिया को कहा जाता है आपका डंकन पैसेज। नॉर्थ अंडमान की अगर बात की जाए तो नॉर्थ अंडमान में आपको मिलेगा सैडल पीक। ये सैडल पीक जो है ये आपका हाईएस्ट पीक है आपके अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में। मिडिल अंडमान की बात की जाए तो ये सबसे बड़ा आइलैंड है, लैंड एरिया में सबसे बड़ा ग्रुप ऑफ, सबसे बड़ा लैंड मास है। साउथ अंडमान की बात की जाए, साउथ अंडमान में आपका अंडमान और निकोबार के कैपिटल है जिसका नाम है आपका पोर्ट ब्लेयर, और ये है आपका डंकन पैसेज। ये आप देख सकते हैं डिफरेंट कलर्स में दिया हुआ ये मैप। अगर कोई एरिया डीप ब्लू है तो इसका मतलब ये है कि वो एरिया डीप ओशन है, उससे थोड़ा सा हल्का ब्लू मतलब होता है वो ओशन उतना ज्यादा डीप नहीं है। सफेद एरिया का मतलब ये होता है कि वो एरिया शैलो एरिया है, मतलब पानी ज्यादा गहरा नहीं है, और लैंड एरिया आप देख सकते हैं। और जो ग्रीन तरीके का होते हैं वो सब एरिया होते हैं जो कि आपके सी लेवल समुद्र से ऊपर है। तो ये हो गया आपके अंडमान। और एक बात जो अंडमान में है, अंडमान साइड में एक आइलैंड है जिसका नाम है आपका बैडेन आइलैंड। बैडन आइलैंड इंडिया का ओनली वॉल्केनिक आइलैंड है। ये वही आइलैंड है जिसमें इंडिया में एक ही आइलैंड ऐसा है जहाँ पर अभी तक वॉल्केनिक आइलैंड मिलता है, वो है बैडन आइलैंड। तो फिर ये हो गया अंडमान का। अंडमान और निकोबार के बीच में जो लाइन होती है उसे कहा जाता है आपका 10 डिग्री चैनल। अब ये हो गया अंडमान, उसके नीचे आता है निकोबार। निकोबार भी तीन हिस्से में डिवाइड है, तीन ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में। एक हो गया आपका कार निकोबार, दूसरा हो गया आपका लिटिल निकोबार, और जो यहाँ पर है ग्रुप उसे कहते हैं आपके ग्रेट निकोबार। तो पहले आ गया आपका कार निकोबार, ये हो गया आपका लिटिल, और ये हो गया आपका ग्रेट निकोबार। इंडिया का जो साउथर्न मोस्ट पॉइंट है, सबसे साउथ का पॉइंट है, वो इसी आइलैंड के सबसे साउथ में देखा जाता है, जिसे कहा जाता है आपका इंदिरा पॉइंट। तो इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है, तो फिर है वो ग्रेट निकोबार में। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज आर कॉल्ड ट्विन सिटीज? ऑप्शन ए है दिल्ली एंड फरीदाबाद, ऑप्शन बी है आपका मुंबई एंड पुणे, ऑप्शन सी आपका हैदराबाद एंड सिकंदराबाद, ऑप्शन डी है आपका बेंगलोर एंड मैसूर। निम्नलिखित में से किस शहर को जुड़वा शहर कहा जाता है? ऑप्शन ए दिल्ली एंड फरीदाबाद, ऑप्शन बी है आपका मुंबई एंड पुणे, ऑप्शन सी आपका हैदराबाद एंड सिकंदराबाद, ऑप्शन डी है आपका बेंगलोर एंड मैसूर। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, हैदराबाद एंड सिकंदराबाद। अगर ट्विन सिटीज की बात की जाए तो ऐसे दो शहर जो एक दूसरे से सिमिलर होते हैं, मतलब जो टेम्परेचर होता है, क्लाइमेट होता है, लोगों का रहने का तरीका होता है, मतलब एक सिटी में अगर ज्यादा आपका कॉटन फैक्ट्रीज है दूसरे सिटीज में आपका कॉटन फैक्ट्रीज ज्यादा होगा, एक सिटी में अगर कोल ज्यादा यूज किया जाता है दूसरे सिटी में भी कोल ज्यादा यूज किया जाएगा, ऐसे लोगों का रहने का तरीका जो सिमिलर होता है उन्हीं को कहा जाता है ट्विन सिटीज। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, नवी मुंबई ट्विन सिटी है आपका नवी मुंबई। महाराष्ट्र से बाहर रहते हुए बहुत लोगों को ये पता नहीं है कि मुंबई और नवी मुंबई दोनों अलग जगह है। तो ऐसे ही होते हैं ट्विन सिटीज जो एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं, और मतलब रहने का तरीका यहाँ पर बहुत सिमिलर होते हैं, इन्हें कहा जाता है आपका ट्विन सिटीज। विच स्टेट इज कॉल्ड द शुगर बोल ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए है आपका उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है आपका छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी है आपका आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है आपका बिहार। किस राज्य को भारत का चीनी का कटोरा कहा जाता है? ऑप्शन ए है आपका उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है आपका छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी है आपका आंध्र प्रदेश, या फिर ऑप्शन डी है आपका बिहार। तो फिर शुगर बोल ऑफ इंडिया कहा जाता है ऑप्शन ए आपके उत्तर प्रदेश को कहा जाता है शुगर बोल ऑफ इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर डिवाइडेड बाय द मैकमोहन लाइन? ये तो हम लोग ने मैप में थोड़ी देर पहले ही देखा था। ऑप्शन ए इंडियन पाकिस्तान, ऑप्शन बी इंडियन चाइना, ऑप्शन सी इंडियन बांग्लादेश, या फिर ऑप्शन डी पाकिस्तान एंड चाइना। निम्नलिखित में से कौन सी देश मैकमोहन रेखा से विभाजित है? ऑप्शन ए इंडियन पाकिस्तान, ऑप्शन बी इंडियन चाइना, ऑप्शन सी इंडियन बांग्लादेश, ऑप्शन डी पाकिस्तान एंड चाइना। तो फिर यहाँ पर होगा ऑप्शन ए, सॉरी यहाँ पर ऑप्शन बी होगा इंडियन चाइना। अगर इंडियन चाइना की बात की जाए तो नॉर्दर्न साइड का बॉर्डर है उसे कहा जाता है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और जो आपका सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के साथ चाइना को जो बॉर्डर है उसे कहा जाता है मैकमोहन लाइन। अगर एग्जाम में ऐसा गया कि मैकमोहन लाइन किसे कहा जाता है, तो ये भी आप लिख सकते हैं कि इंडिया चाइना के बीच में जो बॉर्डर है उसे कहा जाता है आपका मैकमोहन लाइन। विच इज द हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए भाखड़ा डैम, ऑप्शन बी नागार्जुन डैम, ऑप्शन सी हीराकुद डैम, या फिर ऑप्शन डी तहरी डैम। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ऑप्शन ए भाखड़ा डैम, ऑप्शन बी नागार्जुन सागर डैम, ऑप्शन सी हीराकुद डैम, या फिर ऑप्शन डी तहरी डैम। तो फिर यहाँ पर सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी तहरी डैम। हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया है आपका तहरी डैम। विच ऑफ द फॉलोइंग कोस्ट वेयर द गल्फ ऑफ मन्नार इज लोकेटेड?
ऑप्शन ए है आपका तमिलनाडु, ऑप्शन बी है आपका केरला, ऑप्शन सी है आपका कर्नाटका, या फिर ऑप्शन डी है आपका आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में से तट मन्नार को खाड़ी की खाड़ी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है आपका तमिलनाडु, ऑप्शन बी आपका केरला, ऑप्शन सी है आपका कर्नाटका, या फिर ऑप्शन डी है आपका आंध्र प्रदेश। तो फिर इसमें जो सही आंसर होगा, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए तमिलनाडु। इसी चीज को एक बार हम लोग मैप में देख लेते हैं ताकि अच्छे से याद रहे। ये आप देख सकते हैं इंडिया के मैप में, यहाँ पर है गल्फ ऑफ मन्नार। गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ पर है? तो यहाँ पर है, और ये कौन सा स्टेट है? ये है स्टेट ऑफ तमिलनाडु, तमिलनाडु में गल्फ ऑफ मन्नार। दूसरा आप देख सकते हैं यहाँ पर एंड में जो लिखा हुआ है आपका केप कोमोरिन। तो जैसे मैंने बताया था इंडिया का जो साउथर्न मोस्ट पॉइंट है वो इंदिरा पॉइंट है, पर वो इनलैंड में है। अगर कहा जाए कि इंडिया का जो मेनलैंड है उसमें सबसे साउथर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, तो होगा आपका आंसर यहाँ पर केप कोमोरिन। वट इज द नेम ऑफ द साउथर्न मोस्ट हिल रेंजेस इन इंडिया? ऑप्शन ए नीलगिरी हिल, ऑप्शन बी अन्नामलाई हिल्स, ऑप्शन सी नल्लामलाई हिल्स, ऑप्शन डी काटमान हिल्स। भारत में दक्षिणी पर्वत श्रृंखला का नाम क्या है? ऑप्शन ए नीलगिरी हिल्स, ऑप्शन बी अन्नामलाई हिल्स, ऑप्शन सी नल्लामलाई हिल्स, ऑप्शन डी काटमान हिल्स। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी काटमान हिल्स। हम लोग फिर से एक बार मैप में इस चीज को देख लेंगे। अगर बात की जाए काटमान हिल्स का, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे साथ में जो हिल्स है वो है आपके काटमान हिल्स, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ईस्टर्न घाट, या देख पा रहे ईस्टर्न घाट, और इस साइड में रहता है आपके वेस्टर्न घाट। ये वेस्टर्न घाट जो है बहुत सारी जगह में इसे शाहजी भी कहा जाता है। ये दोनों घाट जहाँ पर मिलते हैं उसे कहा जाता है आपका नीलगिरी माउंटेन्स। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट कहाँ पर मिलते हैं? तो मिलते हैं आपके नीलगिरी माउंटेन्स में, और सबसे साउथर्न मोस्ट माउंटेन कौन सा है इंडिया में? तो वो है आपके काटमान हिल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रेडिशनल नेम ऑफ शाहद्री? ऑप्शन ए वेस्टर्न घाट, ऑप्शन बी ईस्टर्न घाट, ऑप्शन सी आड़ाफाली, या फिर ऑप्शन डी बारबर एंड नागार्जुनी हिल्स। शाहद्री को पारंपरिक नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए आपका वेस्टर्न घाट, ऑप्शन बी है आपका ईस्टर्न घाट, ऑप्शन सी है आड़ावली, या फिर ऑप्शन डी है बारबर एंड नागार्जुनी हिल्स। तो यहाँ पर होगा सही आंसर ऑप्शन ए वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट को शाहद्री भी कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर लो रेनफॉल इन द ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट? ऑप्शन ए द स्टेट वेस्ट कोस्ट, ऑप्शन बी द लैक ऑफ विंटर डिप्रेशन, ऑप्शन सी द लीवर्ड लोकेशन, या फिर ऑप्शन डी द हाइट्स ऑफ द घाट्स। पश्चिमी घाट की पूर्वी तलेनों में निम्न वर्षा के लिए निम्न में से कौन सा कारक जिम्मेदार है? ऑप्शन ए द स्टेट वेस्ट कोस्ट, ऑप्शन बी द लैक ऑफ विंटर डिप्रेशन, ऑप्शन सी द लीवर्ड लोकेशन, या फिर ऑप्शन डी द हाइट्स ऑफ द घाट्स। तो यहाँ पर सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी द लीवर्ड लोकेशन। ये समझने के लिए हम लोग को एक बार रेन शैडो रीजन जो है वो समझना होगा। ये आपका रेन शैडो जो एरिया होता है उसका इमेज है। रेन शैडो एरिया में क्या होता है? एक रहता है पहाड़, इसे आप मान लीजिए ये है वेस्टर्न घाट, और ये जो सी है वो है आपका अरेबियन सी। अरेबियन सी से क्या होता है? जो वाटर होता है वो इवेपोरेट होता है। वाटर इवेपोरेट होने पे क्या होता है? क्लाउड्स बनते हैं। अब ये क्लाउड्स को हवा से भेजा जाता है लैंड एरिया के तरफ, पर जब वो लैंड एरिया पे जाना चाहते हैं तब ये जो माउंटेन्स होते हैं वो क्लाउड्स को रोकते हैं। तो ऊपर जाने के लिए क्या करते हैं ये क्लाउड्स? अपने अंदर जितनी भी नमी होती है उसको इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल यहाँ पर ड्रॉप कर देती है। तो इसके कारण ये साइड में जो है वो रेनफॉल काफ़ी ज़्यादा होता है। इस साइड को कहा जाता है आपका विंडवर्ड साइड। अब जब यहाँ पर हेवी रेनफॉल हो गया है तब क्लाउड्स ऊपर जा सकती है, और ऊपर जाने के बाद ये अंदर जाती है। जब ये क्लाउड्स अंदर की तरफ जाती है तब क्लाउड्स में किसी भी तरीके का नमी नहीं रहता है, और ये जो रेन शैडो एरिया है यहाँ पर कोई भी बारिश नहीं होता है। इसको लीवर्ड साइड बोलते हैं, और जहाँ इस पूरे फिनोमेनन को कहा जाता है रेन शैडो, और जिस जगह पर बारिश नहीं होता है उसे भी कहा जाता है आपका रेन शैडो एरिया। आप समझ सकते हैं कि लीवर्ड साइड की वजह से यहाँ से रेनफॉल नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज फेमस फॉर लायन टेल्ड मकाउ? ऑप्शन ए ईस्टर्न घाट ऑफ आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी वेस्टर्न घाट ऑफ केरला, ऑप्शन सी शिवालिक हिल्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, ऑप्शन डी हिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र शेरपूछ वाले मकाउ के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए ईस्टर्न घाट ऑफ आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी वेस्टर्न घाट ऑफ केरला, ऑप्शन सी शिवालिक हिल्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, या फिर ऑप्शन डी हिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। इसका सही आंसर होगा आपका वेस्टर्न घाट्स ऑफ केरला, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज नॉट करेक्टली मैच? ऑप्शन ए है आपका बीडी हिल्स अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है भिक्की हिल्स आसाम, ऑप्शन सी है आपका लुशा हिल्स मिसोरा, ऑप्शन डी है अबोर हिल्स। पहले आपको देखना होगा इन दोनों में क्या कनेक्शन है। तो ये बहुत इजीली आप लोग समझ सकते हैं ये पहाड़ है कौन कौन से हिल्स, और ये वो स्टेट से कहाँ पर कहाँ पर ये स्टेट्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पर कहा गया इज नॉट करेक्टली मैच, तो सही तरीके से किसको मैच नहीं किया गया? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी लुशा हिल्स, जो कि आपके मिजोरम में नहीं है, लेकिन लुशा हिल्स है आपके अरुणाचल प्रदेश में। ये इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर बनाते हैं लुशा हिल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्गिट्यूड्स इज द स्टैंडर्ड मेडियन ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए 69 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट, ऑप्शन बी 75 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट, ऑप्शन सी 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट, या फिर ऑप्शन डी 90 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट। निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर भारत का मानक माध्यांतरण रखा है? ऑप्शन ए 69 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट, ऑप्शन बी 75 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट, ऑप्शन सी 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट, या फिर ऑप्शन डी 90 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट। तो फिर आपका सही आंसर होगा यहाँ पर 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट।
वो स्टैंडर्ड मीडियन ऑफ इंडिया कहा जाता है और इसका टाइम क्या रहता है, ये आपके इंडिया का जो टाइम कैलकुलेट होता है वो टाइम कैलकुलेशन में हेल्प करती है। 82 डिग्री 30 मिनट्स जो इंडिया का टाइम होता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, वो इसी मीडियन के ऊपर या फिर इसी लॉन्गिट्यूड के ऊपर आपका डिसाइड किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड, ऑप्शन ए है आपका सिलचर, ऑप्शन बी है चेरापुंजी, ऑप्शन सी है महेश्वरम या फिर ऑप्शन डी है आपका गुवाहाटी। निम्नलिखित में से कौन सी जगह दुनिया में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करती है, ऑप्शन ए है आपका सिलचर, ऑप्शन बी है आपका चेरापुंजी, ऑप्शन सी है आपका महेश्वरम या फिर ऑप्शन डी है आपका गुवाहाटी। तो यहाँ पर सही आंसर होगा आपका महेश्वरम। महेश्वरम में सबसे ज्यादा बारिश होती है पूरे दुनिया में और यहाँ पर ओवर 11,000 मिलीमीटर रेनफॉल होता है, मिलीमीटर रेनफॉल होता है पर ईयर। और महेश्वरम में आपके 9 दिन और 9 रात तक कंटिन्यूस बारिश होता है। विच इज द लोकल नेम ऑफ द विंड ब्लोइंग इन द नॉर्दर्न प्लेन्स ड्यूरिंग समर्स, ऑप्शन ए काल बैसाखी, ऑप्शन बी ट्रेड विंड्स, ऑप्शन सी लू या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। ग्रीष्मकाल के दौरान उत्तरी मैदानों में बहने वाली हवा के स्थानीय नाम क्या है, ऑप्शन ए काल बैसाखी, ऑप्शन बी ट्रेड विंड्स, ऑप्शन सी लू या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो लोकल विंड जो बहती है नॉर्थ के साइड में समर में वो है ऑप्शन सी आपका लू। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ऑप्शन ए है साइक्लोनिक डिप्रेशन, ऑप्शन बी है आपका वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ऑप्शन सी है आपका रिट्रीटिंग मानसून या फिर ऑप्शन डी है आपका साउथ वेस्ट मानसून। तो यहाँ पर अगर देखा जाए किसके लिए रेनफॉल होता है तो फिर होता है आपके नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में बिकॉज ऑफ द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज, पर्टिकुलरली कहा जाए तो फिर रेनफॉल होता है बिकॉज ऑफ द वेस्टर्लीज। वेस्टर्लीज जो है ये कहाँ से मॉइस्चर ले आती है, यह मॉइस्चर ले आती है आपके बी एम सी से, बी से हो गया आपका ब्लैक सी, एम से हो गया आपका मेडिटेरियन सी और सी से हो गया आपका कैस्पियन सी। ये जो सी है ये सभी आपके यूरोप के साइड में है और यूरोप के साइड में ये मॉइस्चर पिकअप करती है ये विंड्स और फिर आपका रेनफॉल करती है आपके नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ इंडिया में। नॉर्थ वेस्टर्न रीजन अगर और भी पर्टिकुलर तरीके से बोला जाए तो फिर मेनली रेनफॉल होता है आपके पंजाब में कश्मीर में और आपका हरियाणा में। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज कैरेक्टरिस्टिक बाय द कोल्ड वेदर सीजन इन इंडिया, ऑप्शन ए है आपका वार्म डेज एंड वार्म नाइट्स, ऑप्शन बी है आपका वार्म डेज एंड कोल्ड नाइट्स, ऑप्शन सी है आपका कूल डेज एंड कोल्ड नाइट्स, ऑप्शन डी है आपका कोल्ड डेज एंड वार्म नाइट्स। भारत में ठंड के मौसम में निम्नलिखित में से कौन सा कारक निष्पत्ति है, ऑप्शन ए है आपका वार्म डेज एंड वार्म नाइट्स, ऑप्शन बी आपका वार्म डेज एंड कोल्ड नाइट्स, ऑप्शन सी आपका कूल डेज एंड कोल्ड नाइट्स, ऑप्शन डी आपका कोल्ड डेज एंड वार्म नाइट्स। तो अगर यहाँ पर सही आंसर देखा जाए तो फिर यहाँ पर सही आंसर है आपका कूल डेज एंड कोल्ड नाइट्स के वजह से जाना जाता है यहाँ पर विंटर। कूल डेज मतलब यहाँ पर एवरेज टेम्परेचर रहता है सुबह के टाइम पे और रात के टाइम पे यहाँ पर ठंडा पड़ जाता है ड्यूरिंग द विंटर्स। ये मैंने थोड़ा पहले प्रैक्टिस किया था लेक्चर के पहले, जैसा आपको पता ही होता है कि प्रैक्टिस करना पता है, वही प्रैक्टिस यहाँ पर रह गया था। यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द ड्रेनेज पैटर्न रिसेंबलिंग द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज, ऑप्शन ए है आपका रेडियल, ऑप्शन बी है सेंट्रीफ्यूगल, ऑप्शन सी है डेंड्राइटिक या फिर ऑप्शन डी है ट्रेलीज। निम्नलिखित में से कौन एक वृक्ष की शाखाओं की क्या जल निकासी पैटर्न का प्रबंध करता है, ऑप्शन ए है आपका रेडियल, ऑप्शन बी है सेंट्रीफ्यूगल, ऑप्शन सी है डेंड्राइटिक या फिर ऑप्शन डी है ट्रेलीज। यहाँ पर सही आंसर होगा आपका ट्रेलीज, सॉरी यहाँ पर सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी डेंड्राइटिक। अगर ब्रांचेस ऑफ द ट्री की बात की जाए डेंड्राइटिक का एक अच्छा ऑप्शन है रिवर गंगा। अगर गंगा नदी आप मैप में देखेंगे तो आप देखेंगे जो डिफरेंट ट्रिब्यूटरीज है वो डिफरेंट जगह पे गंगा नदी से ज्वाइन होती है और अगर आप देखेंगे दैट लुक्स लाइक अ ब्रांच ऑफ अ ट्री, ट्री का ब्रांच की तरह दिखता है, इसलिए इसको कहा जाता है डेंड्राइटिक पैटर्न जो कि रिसेंबलिंग द ब्रांचेस ऑफ द ट्री। अगर आपको दूसरे जो ड्रेनेज पैटर्न है वो सब देखना है ऊपर में एक लिंक दे दूंगा यहाँ पर, वहाँ से जाके आप वीडियो देख सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पर भूल गया लिंक देने के लिए तो फिर मैं नीचे डायरेक्टली आपको ये जो ड्रेनेज पैटर्न है उनके लिंक दे दूंगा, हम वहाँ से जाके ये वीडियो देख सकते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द वुलर लेक लोकेटेड, ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश या फिर ऑप्शन डी जम्मू एंड कश्मीर। निम्नलिखित में से किस राज्य में वुलर झील स्थित है, ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश या फिर ऑप्शन डी जम्मू एंड कश्मीर। तो इसका सही आंसर हम लोग ने तो थोड़ी देर पहले किया था, ये होगा आपका ऑप्शन डी जम्मू एंड कश्मीर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रिवर नर्मदा ऑरिजिनेट्स फ्रॉम, ऑप्शन ए सतपुड़ा, ऑप्शन बी अमरकंटक, ऑप्शन सी ब्रह्मगिरी या फिर ऑप्शन डी स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल, ऑप्शन ए सतपुड़ा, ऑप्शन बी अमरकंटक, ऑप्शन सी ब्रह्मगिरी, ऑप्शन डी स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट। तो यहाँ पर अगर सही आंसर देखा जाए तो ये होगा आपका अमरकंटक। अमरकंटक प्लेट्यू से निकलता है आपकी नर्मदा नदी, सोर्स ऑफ द नर्मदा रिवर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक इज अ सॉल्ट वाटर लेक, ऑप्शन ए है आपका सांबर, ऑप्शन बी है वुलर, ऑप्शन सी है डाल या फिर ऑप्शन डी गोविंद सागर। निम्नलिखित में से कौन सी झील एक खारे पानी की झील है, ऑप्शन ए है सांबर, ऑप्शन बी है वुलर, ऑप्शन सी है डाल या फिर ऑप्शन डी है गोविंद सागर। तो फिर आपका सही आंसर होगा यहाँ पर सांबर लेक। सांबर लेक आप कहाँ पर है, ये आपके राजस्थान में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच वन अमंग्स द फॉलोइंग रिवर फ्लोस थ्रू अ रिफ्ट वैली, ऑप्शन ए है आपका दामोदर, ऑप्शन बी है यमुना, ऑप्शन सी है तुंगभद्रा, ऑप्शन डी है बोथ ए एंड बी।
निम्नलिखित नदियों में से कौन एक दरार घाटी से होकर बहने वाली है, बहती है? ऑप्शन ए है दामोदर, ऑप्शन बी है यमुना, ऑप्शन सी है तुंगभद्रा, या फिर ऑप्शन डी है बोध यांदी। तो यहाँ पर अगर सही आंसर देखा जाए तो फिर यहाँ पर सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए दामोदर नदी। अ लैंडमास बाउंडेड बाय सी ऑन थ्री साइड इज रेफर टू एज, ऑप्शन ए है आपका कोस्ट, ऑप्शन बी है आपका पेरेंसुला, ऑप्शन सी है आइलैंड, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तीनों तरफ से समुद्र से घिरा एक डैश के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए है आपका कोस्ट, ऑप्शन बी है पेनेंसुला, ऑप्शन सी है आइलैंड, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यहाँ पर सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी पेनेंसुला। पेनेंसुला को जाना जाता है जो कि थ्री साइड से सी या फिर ओशन से घिरा हुआ होता है। अगर कोई भी लैंडमास की बात की जाए तो आपको पता है ये बेसिक चार डायरेक्शन होते हैं, एक होता है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अगर बात की जाए कोस्टल एरियाज की तो कोस्टल एरियाज में जो होते हैं सिर्फ कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन ही होता है जो कि आपके पानी से घिरा हुआ होता है। मान लीजिए वेस्टर्न साइड, ईस्टर्न, नॉर्दर्न या फिर साउदर्न साइड। जो आइलैंड्स होते हैं वो आपको पता ही है कि चारों तरफ से आपके पानी से घिरे हुए होते हैं। और जो पेनिनसुला होते हैं वो लैंडमास होते हैं, उनके तीन साइड में तो पानी होता है। मान लीजिए ऐसे कोई लैंडमास है, तीनों साइड में तो पानी है पर एक साइड में लैंड एरिया है, उसे कहा जाता है आपका पेनिनसुला। माउंटेन रेंजेस इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया फॉर्मिंग इट्स बाउंड्री, माउंटेन रेंजेस इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया फॉर्मिंग इट्स बाउंड्री विथ म्यांमार आर कलेक्टिवली कॉल्ड, ऑप्शन ए हिमाचल, ऑप्शन बी पूर्वांचल, ऑप्शन सी उत्तरांचल, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। म्यांमार के साथ अपनी सीमा बनाने वाली भारत की पूर्वी हिस्से के पर्वत श्रृंखलाओं को सामूहिक रूप से कहा जाता है, ऑप्शन ए हिमाचल, ऑप्शन बी पूर्वांचल, ऑप्शन सी उत्तरांचल, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पूर्वांचल, ऑप्शन बी पूर्वांचल। तो यहाँ पर आप मैप में भी एक बार इस चीज़ को देख सकते हैं, ये जो आप माउंटेन एरियाज देख रहे हैं सारे जो माउंटेन है ये आपके म्यांमार से एक बाउंड्री बनाती है, इसी को कहा जाता है आपका पूर्वांचल। द वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप, द वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप साउथ ऑफ गोवा इज रेफर टू एज, ऑप्शन ए कोरोमंडल, ऑप्शन बी कन्नड, ऑप्शन सी कोंकण, या फिर ऑप्शन डी नॉर्दर्न सिकार। गोवा के दक्षिण में पश्चिमी तटीय पट के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन ए कोरोमंडल, ऑप्शन बी कन्नड, ऑप्शन सी कोंकण, ऑप्शन डी नॉर्दर्न सिकार। तो यहाँ पर सही आंसर होगा आपका साउथ ऑफ गोवा है आपका कन्नड, कन्नड कोस्ट कहा जाता है। कोस्टल एरियाज के बारे में मैप में देख लेंगे एक बार, अगर कोस्टल एरियाज की बात की जाए कितने सारे स्टेट्स हैं जहाँ पर हम लोग की कोस्ट है, तो आपके वेस्टर्न साइड में है 5 स्टेट और ईस्टर्न साइड में आपके 4 स्टेट्स, तो मिला के हो गए आपके 9 स्टेट्स। तो टोटल 9 स्टेट में आपके कोस्टल एरियाज है। तो वेस्टर्न साइड में हम लोग देख लेंगे कौन कौन से स्टेट है, पहला है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका और केरला। और सबसे लंबा कोस्ट लाइन कहाँ पर है, तब है आपके गुजरात में। ईस्टर्न साइड में देखेंगे आपका वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और है आपका तमिलनाडु। और अगर यहाँ पर देखा जाए कि ईस्टर्न साइड में कहाँ पर सबसे लंबा कोस्ट है, तो फिर है वो आंध्र प्रदेश में। तो इंडिया के जितने स्टेट है उनमें सबसे लंबा कोस्ट किसका है, तो वो है गुजरात में। और अगर सिर्फ ईस्टर्न साइड का देखा जाए तो सबसे लंबा कोस्टल एरिया किसका है, तो है आपके आंध्र प्रदेश का। तो ये हो गया 5+4, टोटल 9 स्टेट्स है। तो अगर ये कोस्टल एरियाज की बात की जाए तो ये जो गुजरात का कोस्टल एरिया है के साथ महाराष्ट्र और गोवा का कोस्टल एरिया, इसे कहा जाता है आपका कोंकण। कर्नाटक का जो कोस्टल एरिया है उसे कहा जाता है आपका कन्नड। और ये जो केरला का कोस्टल एरिया है इसे कहा जाता है आपका मालाबार कोस्ट। इसकी अगर बात की जाए तो ये जो स्टार्ट होता है यहाँ से, इसे कहा जाता है आपका नॉर्दर्न सिकार। और यहाँ पर जो तमिलनाडु का कोस्ट है इसे कहा जाता है आपका कोरोमंडल, कोरोमंडल कोस्ट। द हाइएस्ट पीक इन ईस्टर्न घाट इज, ऑप्शन ए अनाईमुंडी, ऑप्शन बी झिंगाड़ा पीक, ऑप्शन सी कंचनजंगा, या फिर ऑप्शन डी खासी। पूर्वी घाट के सबसे ऊंची चोटी है ऑप्शन ए अनाईमुंडी, ऑप्शन बी झिंगाड़ा पीक, ऑप्शन सी कंचनजंगा, या फिर ऑप्शन डी खासी हिल्स। तो अगर कहा जाए कि ईस्टर्न घाट में सबसे बड़ा पीक कौन सा है, तो फिर आपका सही आंसर होगा झिंगाड़ा पीक। और अगर कहा जाए कि साउथ इंडिया में सबसे बड़ा पीक कौन सा है, तो फिर साउथ इंडिया का सबसे हाइएस्ट पीक है अनाईमुंडी, और सेकेंड में आता है आपका डोडो बेटा। ये नाम आपको अच्छे से याद रखने, डोडो बेटा, अनाईमुंडी और झिंगाड़ा पीक। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट क्रॉस बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ऑप्शन ए है आपका राजस्थान, ऑप्शन बी है आपका छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी आपका उड़ीसा, ऑप्शन डी है आपका त्रिपुरा। निम्नलिखित में से कौन से राज्य कर्क रेखा के पार नहीं जाते हैं, ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी उड़ीसा, या फिर ऑप्शन डी त्रिपुरा। यहाँ पर सही आंसर जो है वो है उड़ीसा। उड़ीसा का जो स्टेट है, इस स्टेट में से आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉस नहीं करता। इसको एक बार याद रखने के लिए एक बार मैप में देख लेंगे हम लोग इस चीज़ को। ये जो ब्लैक लाइन आपको दिखाई दे रहा है ये है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। पहला जो स्टेट में से ये गुजरता वो है आपका मिजोरम, मिजोरम के बाद जिस स्टेट में से ये गुजरता वो है आपका त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद जो स्टेट में से ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाता है वो है वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद ये जाता है झारखंड, झारखंड के बाद ये जाता है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद मध्य प्रदेश,
मध्य प्रदेश के बाद ये छोटा सा एरिया आप देख सकते हैं कि राजस्थान में भी ये जॉइन है, ये हो गया राजस्थान। राजस्थान के बाद यहाँ पर आपके लास्ट में गुजरात में से निकलता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो कौन से स्टेट से नहीं गुजरता, ये है आपके उड़ीसा में से। वाट इज द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट, ऑप्शन बी 77 डिग्री 6 मिनट्स ईस्ट, ऑप्शन सी 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, या फिर ऑप्शन डी 82 डिग्री 32 मिनट ईस्ट। तो यहाँ पर अगर देखा जाए जो ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड है वही ऑप्शन है 97 मिनट्स 25 डिग्रीज ईस्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑन विच रिवर इज द बागीला डैम इज सिचुएटेड? ऑप्शन ए है आपका चेनाब, ऑप्शन ए आपका झेलम, ऑप्शन बी आपका चेनाब, ऑप्शन सी आपका सतलज, या फिर ऑप्शन बी है आपका गंदर। बागीला बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए है आपका झेलम, ऑप्शन बी है आपका चेनाब, ऑप्शन सी आपका सतलज, या फिर ऑप्शन डी है आपका गंदर। तो बागीला डैम की अगर बात की जाए तो बागीला डैम है आपका चेनाब में, चेनाब की नदी पर है आपका बागीला डैम। लोहित रिवर फ्लोस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट? जो लोहित रिवर है दैट फ्लोस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट, ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है आपका मध्य प्रदेश, ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है आपका मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है आपका जम्मू एंड कश्मीर, फिर ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। लोहित नदी निम्न में से किस भारतीय राज्य से होकर बहती है? पहला ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है आपका मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है आपका जम्मू एंड कश्मीर, या फिर ऑप्शन डी है आपका अरुणाचल प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। और लोहित रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, मांझौली रिवर आइलैंड इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स? ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी इंदस, ऑप्शन सी तप्ती, या फिर ऑप्शन डी नर्मदा। मांझौली नदी द्वीप निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए है आपका ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी है आपका इंदस, ऑप्शन सी है आपका ताप्ती, ऑप्शन डी है आपका नर्मदा। तो फिर मांझौली रिवर की अगर बात की जाए तो मांझौली रिवर आपका है लोकेटेड है ब्रह्मपुत्र रिवर में। मांझौली रिवर आइलैंड जो है ये सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है, दिस इज द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड, पूरे दुनिया में ये सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंट पास रिवर सतलज एंटर्स इंडिया फ्रॉम टिबेट? ऑप्शन ए बनिहाल, ऑप्शन बी नथुला, ऑप्शन सी शिपकिला, ऑप्शन डी नमापास। निम्नलिखित में से किसके माध्यम से सतलज नदी तिब्बत में से भारत में प्रवेश करती है? ऑप्शन ए है आपका बनिहाल, ऑप्शन बी है आपका नथुला, ऑप्शन सी है आपका शिपकिला, और ऑप्शन डी है आपका नमापास। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी शिपकिला। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लोस पैरेलल टू द कैमूर रेंज फ्लोइंग इन द ईस्टर्न नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन पासिंग द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश? एक्सक्यूज मी, पासिंग द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड बिहार जॉइनिंग द रिवर गंगा लोकेटेड एट लोकेटेड इन पटना। ऑप्शन है गोमती, ऑप्शन बी है केन, ऑप्शन सी है बेतवा, या फिर ऑप्शन डी सोन नदी। तो यहाँ पर जो जो लाइन है वो सब अच्छे तरीके से पहले समझ लेते हैं। पहला दिया हुआ है कि यह नदी जो है ये कैमूर रेंज से निकलती है, कैमूर रेंज के बगल में से निकलती है, फिर ये जाती है ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन में। अब ईस्टर्न डायरेक्शन ये हो गया, ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन मतलब इस डायरेक्शन में, पासेस थ्रू द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड बिहार। तो पहला बात है ये कैमूर रेंज से जाती है और ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन, और दो स्टेट्स पास करती है, एक है उत्तर प्रदेश और बिहार। तो ये कौन सी नदी है? ये है ऑप्शन डी सोन। तो इस पर एक बार हम लोग मैप में देख लेंगे। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो आप ये जो स्टेट्स है इनके भी टेरिटरीज आप देख पाएंगे कि कौन से टेरिटरीज कहाँ कहाँ पर है। ये आप देख सकते हैं जो सन नदी है ये आपके यहाँ पर कैमूर रेंज है, कैमूर रेंज को क्रॉस करती है, जाती है आपके यहाँ पर, आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के एरिया में इंटर करती है उत्तर प्रदेश से, फिर ये पटना में, और यहाँ पर ज्वाइन करती है रिवर गंगा को। तो यहाँ पर सही आंसर हो गया आपका सन नदी। सन रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? ऑप्शन ए है अमरकंटक, ऑप्शन बी है घूमत ताल, ऑप्शन सी है माचवा चुंगो, या फिर ऑप्शन डी है गोमुख। सोन नदी निम्न में से किस स्थान से निकलती है? ऑप्शन ए है आपका अमरकंटक, ऑप्शन बी है आपका गोमत ताल, ऑप्शन सी है आपका मापू चुंगो, या फिर ऑप्शन डी है आपका गोमुख। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमरकंटक। अमरकंटक से आपकी सोन नदी निकलती है, दूसरी जो नदी निकलती है वो है आपकी नर्मदा। तो अमरकंटक से पहली नदी निकलती है सोन, दूसरी जो नदी निकलती है वो है आपकी नर्मदा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पेरेनियल रिवर? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी इंदस, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, या फिर ऑप्शन डी मंडोवी। निम्नलिखित में से कौन एक बारहमासी नदी नहीं है? ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी है इंदस, ऑप्शन सी है ब्रह्मपुत्र, या फिर ऑप्शन डी मंडोवी। तो इसका सही आंसर है मंडोवी रिवर, कोई पेरेनियल रिवर नहीं है, ये सीजनल रिवर है। फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा? ऑप्शन ए है आपका अलकनंदा, ऑप्शन बी है आपका रामगंगा, ऑप्शन सी है आपका यमुना, या फिर ऑप्शन डी कोसी। निम्नलिखित में से
नदी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है? ऑप्शन ए अलकनंदा, ऑप्शन बी रामगंगा, ऑप्शन सी यमुना या फिर ऑप्शन डी कोसी। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी यमुना। यमुना नदी ना ही सिर्फ लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी गंगा नदी पर पूरे इंडिया में वो लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है। पूरे इंडिया में और कोई दूसरा रिवर नहीं है जो यमुना जितने लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है, लॉन्ग ट्रिब्यूटरी है कोई रिवर की। गोमती रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? ऑप्शन ए पीलभीट, ऑप्शन ए पीलभीट, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी आपका बेतल या फिर ऑप्शन डी अमरकंटक। गोमत नदी निम्नलिखित में से किस स्थान से निकलती है? ऑप्शन ए पीलभीट, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी बेतल या फिर ऑप्शन डी अमरकंटक। तो गोमती नदी की अगर बात की जाए तो गोमती नदी आपकी निकलती है फुलर झील में से, और फुलर झील आपका कहाँ पर है? तो फिर ये है आपके पीलभीट में, और पीलभीट कहाँ पर है? तो फिर है उत्तर प्रदेश में। तो फिर आपका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए गोमती रिवर कहाँ से ऑरिजिनेट करती है? तो है पीलभीट। फेमस लखनऊ सिटी, फेमस लखनऊ सिटी इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी गोमती या फिर ऑप्शन डी गंडक। प्रसिद्ध लखनऊ शहर किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी गोमती या फिर ऑप्शन बी गंडक। तो फिर यहाँ पर सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी गोमती नदी। गोमती नदी के झील पे है आपका लखनऊ सिटी। इन विच ईयर इंडस वाटर ट्रीटी वाज साइंड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान? ऑप्शन ए है 1962, ऑप्शन बी है 1960, ऑप्शन सी है 1964 या फिर ऑप्शन डी 1970। भारत और पाकिस्तान के बीच किस वर्ष में सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किया गया था? ऑप्शन ए है 1962, ऑप्शन बी है 1960, ऑप्शन सी है 1964 या फिर ऑप्शन डी है 1970। इसमें जो सही आंसर है वो है इन द ईयर 1960। अगर आपको और पर्टिकुलर तरीके से पूछे तो फिर होगा आपका 19 सितंबर 1960। इन विच ईयर गंगा वाटर ट्रीटी वाज साइंड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश? ऑप्शन ए है 1996, ऑप्शन बी है 1980, ऑप्शन सी है 1970, ऑप्शन डी है 1990। भारत और बांग्लादेश के बीच किस वर्ष में गंगा जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? ऑप्शन ए है 1996, ऑप्शन बी है 1980, ऑप्शन सी है 1970, ऑप्शन डी है 1990। तो फिर गंगा वाटर ट्रीटी बांग्लादेश के साथ जो हुआ था वो साइन किया गया था इन द ईयर 1996। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज द लॉन्गेस्ट पेनिनसुलर रिवर? ये तो अब तक आप सबको पता ही होना चाहिए। ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी कृष्णा या फिर ऑप्शन डी ताप्ती। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है? ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी ताप्ती। तो इसका सही आंसर अगर देखा जाए तो इसका सही आंसर है आपका गोदावरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी रिवर? ऑप्शन ए प्राणहिता, ऑप्शन बी इंद्रावती, ऑप्शन सी पूर्णा या फिर ऑप्शन डी दामोदर। निम्नलिखित में से कौन गोदावरी नदी की एक सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन ए प्राणहिता, ऑप्शन बी इंद्रावती, ऑप्शन सी पूर्णा या फिर ऑप्शन डी दामोदर। तो फिर आपका सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन डी दामोदर नदी। रिवर कृष्णा ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच प्लेस? ऑप्शन ए महाबलेश्वर, ऑप्शन बी अमरकंटक, ऑप्शन सी बेतल, ऑप्शन डी मानसरोवर लेक। नदी कृष्णा की उत्पत्ति किस स्थान से हुई है? ऑप्शन ए महाबलेश्वर, ऑप्शन बी अमरकंटक, ऑप्शन सी बेतल या फिर ऑप्शन डी मानसरोवर। तो अगर इसका सही ऑप्शन देखा जाए तो इसका सही आंसर होगा रिवर कृष्णा ओरिजिनेट्स फ्रॉम महाबलेश्वर। और महाबलेश्वर कहाँ पर है? तो फिर है वो महाराष्ट्र में। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आप लोग पानी पीकर थोड़ा रिलैक्स हो जाइए, मैं भी थोड़ा पानी पीकर रिलैक्स हो जाता हूँ, फिर कंटिन्यू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। शिव सुंदरम फॉल इज फाउंड इन द कोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी चेनाब, ऑप्शन सी कावेरी या फिर ऑप्शन डी कृष्णा। शिव सुंदरम फॉल निम्नलिखित में से किस नदी के मध्य पाया जाता है? ऑप्शन ए है आपका महानदी, ऑप्शन बी है आपका चेनाब, ऑप्शन सी आपका कावेरी या फिर ऑप्शन डी है आपका कृष्णा नदी। तो फिर इसका सही आंसर जो है होगा ऑप्शन सी कावेरी नदी पे मिलता है आपका शिव सुंदरम फॉल। दूधसागर फॉल इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया? ऑप्शन ए है आपका केरला, ऑप्शन बी है आपका गोवा, ऑप्शन सी है आपका कर्नाटक और ऑप्शन डी है आपका मध्य प्रदेश। दूधसागर फॉल भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए केरला, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी कर्नाटका, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। फिर अगर यहाँ पर देखा सही आंसर देखा जाए दूधसागर फॉल्स का, तो दूधसागर फॉल्स आपका लोकेटेड है गोवा में। सॉरी ये चेंज हो गया, दूधसागर फॉल्स आपका लोकेटेड है ये ऑप्शन बी गोवा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया? ऑप्शन ए थोई सागर वाटरफॉल्स, ऑप्शन बी नोएखाली वाटरफॉल्स, ऑप्शन सी दोद फॉल्स या फिर ऑप्शन डी मैंगोड फॉल्स। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? ऑप्शन ए थोई सागर वाटरफॉल्स,
ऑप्शन बी नोएखाली फॉल्स, ऑप्शन सी लोड फॉल्स, ऑप्शन डी मैगोट फॉल्स। तो वाटरफॉल्स जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। यहाँ पर मेनली हम लोग तीन प्रकार के जो वाटरफॉल होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। पहला है हम लोग का प्लंज वाटरफॉल। प्लंज वाटरफॉल में क्या होता है, मान लीजिए ये कोई माउंटेन सर्फेस है और जो वाटरफॉल होता है उसका स्पीड इतना ज्यादा होता है ये जो सर्फेस है उसे टच नहीं करती है और उसके बहुत आगे से बढ़ के वाटरफॉल होने लगता है। मतलब जो सर्फेस होता है और पानी होता है उनके बीच में एक अच्छा खासा डिस्टेंस होता है, इसे कहा जाता है आपका प्लंज वाटरफॉल। दूसरे तरीके का वाटरफॉल देखा जाएगा तो वो होता है आपका कैस्केड वाटरफॉल। कैस्केड वाटरफॉल के बारे में अगर बात किया जाए तो कैस्केड वाटरफॉल में क्या होता है, जैसे हम लोग ज्यादातर मूवीज में देखते हैं या फिर बहुत सारे सुंदर सीनरीज में देखते हैं, वाटरफॉल्स में काफी सर्फेसेस होते हैं वहीं से वाटरफॉल होता है। मतलब एक सर्फेस में थका गया फिर दूसरे सर्फेस तीसरे सर्फेस में जाके कैस्केड की तरह एक के बाद एक सर्फेस में गिरने के बाद फाइनली ग्राउंड पे आती है, उसे कहा जाता है कैस्केड वाटरफॉल। और तीसरे तरीके का वाटरफॉल जो होता है उसे कहते हैं अनटाइड वाटरफॉल। अनटाइड वाटरफॉल, ये जो अनटाइड वाटरफॉल होते हैं इसमें क्या होता है, जो सरफेस होता है इसमें जैसे एक जगह पे धक्का खाता है फिर दूसरी जगह पे जाता है वैसा नहीं होता है, और इसमें क्या होता है जो पानी होता है वो डायरेक्ट आपके मिट्टी पे गिरता है, जो आपके सरफेस होता है वहाँ पर डायरेक्ट गिरता है, कोई भी दूसरे जगह में से धक्का नहीं खाता, इसे कहा जाता है अनटाइड वाटरफॉल। तो ये मेनली तीन तरह के वाटरफॉल है जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अगर यहाँ पर बात किया जाए कि प्लंज टाइप वाटरफॉल कौन से होते हैं, तो प्लंज टाइप वाटरफॉल जो सबसे ऊंचा है उसका नाम है आपका नोहाकाली। ये है आपका प्लंज टाइप वाटरफॉल, इसका जो हाइट है वो है आपका 340 मीटर। फिर हम लोग देखेंगे अनटाइड वाटरफॉल। अगर हम लोग बात करें अनटाइड वाटरफॉल के बारे में तो अनटाइड वाटरफॉल जो हाईएस्ट इंडिया में है वो है आपका जोग फॉल्स। और इसका जो जोग फॉल्स का हाइट है वो है आपका 253 मीटर। और अगर कैस्केड टाइप वाटरफॉल के बारे में बात की जाए तो कैस्केड टाइप वाटरफॉल जो सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल होते हैं वो होते हैं कुंचिकल फॉल्स। कुंचिकल और कुंजिकल फॉल की हाइट कितनी है, तो उसका हाइट है आपका 455 मीटर। तो ये है टाइप्स ऑफ वाटरफॉल और हाईएस्ट वाटरफॉल्स। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ये है आपका ऑप्शन बी होगा नोहाखाई वाटरफॉल। व्हाट इज द हाइट ऑफ द जोग फॉल्स, ऑप्शन ए है 199 मीटर्स, ऑप्शन बी है 253 मीटर, ऑप्शन सी है आपका 256 मीटर, ऑप्शन डी है आपका 198 मीटर्स। जोग जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है, ऑप्शन ए है 199 मीटर्स, ऑप्शन बी है 253 मीटर, ऑप्शन सी है 256 मीटर, ऑप्शन डी है 198 मीटर। तो हम लोग ने थोड़ी देर पहले ही किया था, ये होगा ऑप्शन बी आपका 253 मीटर्स। बहरपानी फॉल्स आर लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ ओडिशा, ऑप्शन ए है आपका मयूरभंज, ऑप्शन बी है आपका कालाहांडी, ऑप्शन सी है आपका झारसुगुड़ा या फिर ऑप्शन डी है आपका जजापुर। बहरपानी गिर, बहरपानी जो जलप्रपात है उड़ीसा में, उड़ीसा के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है, पहला ऑप्शन है आपका मयूरभंज, दूसरा ऑप्शन है आपका कालाहांडी, सी ऑप्शन में है आपका जगुसुडा और ऑप्शन डी में है आपका जजापुर। तो आपका सही आंसर होगा ये ऑप्शन ए मयूरभंज। मयूरभंज की बात अगर की जाए तो ये जो बहरपानी फॉल्स है ये है आपका सिमलीपाल नेशनल पार्क। और अगर आपको ये याद रखने में तकलीफ होता है और आपका आंसर देना है या ऐसा अगर ऑप्शन आ गया कि आप बिना आंसर देखे नहीं जा सकते, तो फिर आप उड़ीसा में कोई भी वाटरफॉल जो होते हैं तो ज़्यादातर आपके वाटरफॉल जो है उसमें आपका आंसर होगा मयूरभंज। तो ये जगह आप हमेशा याद रखिए। दूधसागर फॉल्स आर लोकेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स, ऑप्शन ए है आपका नर्मदा, ऑप्शन बी है आपका गोदावरी, ऑप्शन सी है आपका मांडोवी और ऑप्शन सी आपका मांडोवी, ऑप्शन डी है आपका तापी। दूधसागर फॉल निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है, पहला ऑप्शन है आपका नर्मदा, ऑप्शन बी है आपका गोदावरी, ऑप्शन सी है आपका मांडोवी या फिर ऑप्शन डी है आपका तापी। तो दूधसागर फॉल्स है आपके मांडोवी में, मांडोवी रिवर पर स्थित है। वॉट इज द हाइट ऑफ द बहरपानी फॉल्स, अभी हम लोग ने जो किया था उड़ीसा के मयूरभंज के रीजन में है, तो अभी यहाँ पर क्वेश्चन है कि व्हाट इज द हाइट ऑफ द मयूरपन बहरपानी फॉल्स, ऑप्शन ए है 2 मीटर, ऑप्शन बी है 399 मीटर, ऑप्शन सी है आपका 150 मीटर्स या फिर ऑप्शन डी 315 मीटर्स। बहरपानी की ऊंचाई कितनी होती है, ऑप्शन ए है आपका 2 मीटर, ऑप्शन बी है आपका 399 मीटर, ऑप्शन सी है आपका 150 मीटर्स, ऑप्शन डी है आपका 315 मीटर। तो अगर यहाँ पर सही आंसर देखा जाए तो फिर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 399 मीटर्स है हाइट ऑफ द बहरपानी फॉल्स। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड हाईएस्ट प्लंज वाटरफॉल्स इन इंडिया, ऑप्शन ए है आपका दुमदुमा, ऑप्शन बी है आपका दूधसागर फॉल्स, ऑप्शन सी है आपका जोग फॉल्स या फिर ऑप्शन डी है आपका जोरंडा फॉल्स। निम्नलिखित में से कौन से भारत में दूसरा सबसे अधिक डुबकी वाले झरना है, ऑप्शन ए है आपका दुमदुमा फॉल्स, ऑप्शन बी है आपका दूधसागर फॉल्स, ऑप्शन सी है आपका जोग फॉल्स और ऑप्शन बी जोरंडा फॉल्स। प्लंज टाइप वाटरफॉल मैंने बताया था कि सबसे लंबा है आपका नोएखाली और उसके बाद में अगर देखा जाए जोरंडा फॉल्स, तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन डी जोरंडा फॉल्स। जोरंडा फॉल्स उड़ीसा में, और कोई गेस कर सकता है उड़ीसा में कौन से जगह पे, तो वो है आपके मयूरभंज में।
मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में है आपका जोरंडा फॉल्स। जोरंडा फॉल्स की अगर हाइट देखा जाए तो ये हाइट है उसका 181 मीटर जोरंडा फॉल्स। और तीसरा अगर देखा जाए प्लंज वाटरफॉल, तीसरा प्लंज वाटरफॉल है आपका दुमदुमा फॉल्स। दुमदुमा फॉल्स की अगर हाइट देखा जाए तो फिर इसका हाइट है आपका 137 मीटर। तो प्लंज फॉल्स में सबसे बड़ा है नोएखाली, फिर जोरंडा और फिर आता है तीसरे नंबर पर दुमदुमा। ये आपका एक विकिपीडिया का पेज है, आप लोग एक काम कर सकते हैं कि विकिपीडिया में लिख सकते हैं लिस्ट ऑफ वाटरफॉल्स इन इंडिया बाई हाइट, वहाँ पर आप लोग को विकिपीडिया में एक पेज खुल जाएगा जो कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो जैसे मैंने थ्री टाइप्स ऑफ वाटरफॉल्स बताए थे, प्लंज टाइप, कैस्केड, अनटाइड वाटरफॉल्स, उनके जो थ्री टॉप वाटरफॉल्स है वो आपको याद रखना है। उसमें आप वाटरफॉल के नाम देखेंगे, उनकी कितने हाइट है, लोकेशन कौन से स्टेट में, कौन से रीजन में, और रिमार्क्स, रिमार्क्स देखने का आपको जरूरत नहीं है, उसके हिसाब से तो आप पूरा टाइप करेंगे, मतलब लाइन बनाएंगे, ये वाटरफॉल्स दिखेंगे, हाइट लिखेंगे और कौन से लोकेशन में है। दूसरा चीज़, अगर आपको ये चाहिए तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूंगा, वहाँ से जाकर डायरेक्ट इस लिंक में देख सकते हैं कहाँ कहाँ पर है और खुद से लिस्ट बना सकते हैं। व्हाट इज द हाइट ऑफ द दूधसागर फॉल्स? ऑप्शन ए है 320 मीटर्स, ऑप्शन बी है आपका 280 मीटर्स, ऑप्शन सी है 190 मीटर्स, या फिर ऑप्शन डी है आपका 256 मीटर। दूधसागर की ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन ए है आपका 320 मीटर्स, ऑप्शन बी है आपका 280 मीटर्स, ऑप्शन सी है आपका 190 मीटर्स, ऑप्शन डी है आपका 256 मीटर। तो दूधसागर फॉल्स की हाइट जो है सही आंसर है ऑप्शन ए 320 मीटर्स। जोग फॉल्स लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? आप देख रहे हैं कुछ ही वाटरफॉल्स हैं जिनके बारे में बार बार क्वेश्चन किए जा रहे हैं और करीब करीब आपके सेम टाइप के क्वेश्चन है, कौन से स्टेट में, कौन से रीजन में, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम से भी आते हैं। तो जोग फॉल कौन से स्टेट में? पहला ऑप्शन है आपका केरला, मणिपुर, मेघालय या फिर कर्नाटका। जोग जलप्रपात भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है आपका केरला, ऑप्शन बी है आपका मणिपुर, ऑप्शन सी है आपका मेघालय और ऑप्शन डी है आपका कर्नाटक। तो जोग फॉल्स के बारे में अगर बात किया जाए तो फिर जोग फॉल्स है आपके शाबती रिवर में, शाबती रिवर में, और ये कौन से स्टेट में है? तो फिर ये ऑप्शन डी कर्नाटका में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोसीकर फॉल्स आर लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी उत्तराखंड। बेघर जलप्रपात, बेघर जलप्रपात नहीं, थोसीगर जलप्रपात भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी गुजरात या फिर ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में अगर देखा जाए तो फिर ये जो सतारा रीजन है वहाँ पर आपका मिलता है ये थोसीगर फॉल्स। नीनाई फॉल्स आर लोकेटेड ऑन द वाटर कोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स? ऑप्शन ए ताप्ती, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी नर्मदा या फिर ऑप्शन डी चंबल। नीनाई फॉल्स निम्नलिखित में से किस नदी के जल जल में पर स्थित है? ऑप्शन ए ताप्ती, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी चंबल। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन सी आपका नर्मदा। विच ऑफ द फॉलोइंग वाटरफॉल्स आर लोकेटेड ऑन बिहार रिवर, अ ट्रिब्यूटरी ऑफ टंस रिवर? ऑप्शन ए चचाई फॉल्स, ऑप्शन बी दूधसागर फॉल्स, ऑप्शन सी हेबे फॉल्स या फिर ऑप्शन डी पेबल फॉल्स। निम्नलिखित में से कौन सा झरना बिहार नदी टोंस नदी के एक सहायक नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए चचाई फॉल्स, ऑप्शन बी दूधसागर फॉल्स, ऑप्शन सी हेबे फॉल्स या फिर ऑप्शन डी पेबल फॉल्स। तो यहाँ पर सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए चचाई फॉल्स। चचाई फॉल्स इज ऑन द बिहार रिवर। एबे फॉल्स आर लोकेटेड इन द ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी ऑफ? ए वेस्टर्न घाट, बी ईस्टर्न घाट, सी हिमालयस या फिर डी नीलगिरी माउंटेन्स। एबे फॉल्स भौगोलिक निकटता में स्थित है? ऑप्शन ए वेस्टर्न घाट, ऑप्शन ए वेस्टर्न घाट, ऑप्शन बी ईस्टर्न घाट, ऑप्शन सी हिमालयस या ऑप्शन बी ईस्टर्न घाट, ऑप्शन सी हिमालयस या फिर ऑप्शन डी नीलगिरी माउंटेंस। तो यहाँ पर अगर सही आंसर देखा जाए तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए वेस्टर्न घाट। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग वाटरफॉल इज लोकेटेड ऑन ले मनाली हाईवे इन हिमाचल प्रदेश? ऑप्शन ए रिहाला पास, ऑप्शन बी दूधसागर फॉल्स, ऑप्शन सी हेबे फॉल्स या फिर ऑप्शन डी पेबल फॉल्स। निम्नलिखित में से कौन सा झरना हिमाचल प्रदेश में लेह मनाली राजमार्ग पर स्थित है? पहला ऑप्शन है आपका रेहला फॉल्स, दूसरा ऑप्शन है आपका दूधसागर फॉल्स, ऑप्शन सी है आपका हेबे फॉल्स और ऑप्शन डी है आपका पेबल फॉल। तो यहाँ पर अगर सही आंसर देखा जाए तो फिर इसका सही आंसर होगा रेहला फॉल्स। रेहला फॉल्स की अगर बात की जाए तो फिर ये आपका टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है मनाली में। मनाली में आप जब जाएंगे तो मनाली का जब आइटनरी देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि रेहला फॉल्स उसमें ज़्यादातर आइटनरीज में इंक्लूड रहता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए रेहला फॉल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन फॉर द ट्रॉपिकल क्लाइमेट ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए सीजनल इन्फ्लुएंस ऑफ जेट स्ट्रीम, ऑप्शन बी लोकेशन ऑफ द हिमालयस इन द नॉर्थ, ऑप्शन सी ओवर पावरिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द इंडियन ओशियन, ऑप्शन डी हिमालय कंट्री बींग अ पार्ट ऑफ द एशियन लैंडमार्क। भारत की उपकटीय जलवायु के लिए निम्न में से कौन सा कारण है? ऑप्शन ए सीजनल इन्फ्लुएंस ऑफ जेट स्ट्रीम, ऑप्शन बी लोकेशन ऑफ द हिमालयस इन द नॉर्थ,
ऑप्शन सी ओवर पावरिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द इंडियन ओशन, ऑप्शन डी कंट्री बीइंग अ पार्ट ऑफ द एशियन लैंडमास। इसका सही आंसर होगा लोकेशन ऑफ हिमालयस इन द नॉर्थ। कि आप अगर देखेंगे इंडिया के मैप में जहाँ पर हिमालयस है उसके ऊपर जहाँ पर टिबेट है, उसके बाद चाइना है, नेपाल है, यहाँ पर काफी ज्यादा ठंडा पड़ता है और यहाँ पर आपके बर्फ भी बहुत ज्यादा पड़ता है। इसका जो मेन कारण होता है ये होता है यहाँ पर साइबेरियन विंड। ये जो साइबेरियन विंड होते हैं इन जगहों को काफी ठंडा कर देता है, पर क्योंकि हम लोग के पास हिमालयस है और हिमालयस पूरे इंडिया को घेर के रखता है, इसलिए जो साइबेरियन विंड है वो हिमालयस को क्रॉस नहीं कर पाता और इंडिया का जो वेदर है वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट जैसा हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज फेमस फॉर द एशियाटिक वर्ल्ड एस, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज फेमस फॉर एशियाटिक वर्ल्ड एस। तो ऑप्शन ए है आपका रन ऑफ कच्छ, ऑप्शन बी है आपका बघेलखंड, ऑप्शन सी आपका सुंदरबन, ऑप्शन डी है आपका शिवालिक। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र एशिया जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है आपका रन ऑफ कच्छ, ऑप्शन बी है आपका बघेलखंड, ऑप्शन सी है आपका सुंदरबन, ऑप्शन डी है आपका शिवालिक। तो आपका सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन ए रन ऑफ कच्छ। रन ऑफ कच्छ फेमस है फॉर द एशियाटिक वाइल्ड एस। सिलेक्ट द ऑर्डर ऑफ द हिल स्टेशन ऑन द बेसिस ऑफ द हाइट्स। ऑप्शन ए ऊंचाई के आधार पर हिल स्टेशनों को सही क्रम में चयन करें। ऑप्शन ए है दार्जिलिंग, श्रीनगर, ले, शिमला। ऑप्शन बी है श्रीनगर, दार्जिलिंग, शिमला, ले। ऑप्शन सी है श्रीनगर, ले, शिमला, दार्जिलिंग। ऑप्शन डी है शिमला, श्रीनगर, ले और दार्जिलिंग। तो हाइट के हिसाब से इनको अरेंज करने के लिए बोला गया है, तो सबसे पहले हम लोग इनके जो हाइट्स है वो देख लेंगे। अगर सबसे पहले यहाँ पर दार्जिलिंग की हाइट देखा जाए तो दार्जिलिंग का हाइट यहाँ पर हम लोग देखेंगे 2042 मीटर। फिर हम लोग श्रीनगर का देखते हैं, श्रीनगर का अगर हाइट देखा जाए तो फिर श्रीनगर का हाइट है 1585 मीटर। उसके बाद ले है, ले का अगर हाइट देखा जाए तो ले का हाइट है 3500 मीटर। और फिर अगर शिमला का हाइट देखा जाए, शिमला का हाइट है 2276 मीटर। तो इसके हिसाब से हम लोग अरेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो आएगा वो है आपका श्रीनगर, श्रीनगर से ऊंचा है आपका दार्जिलिंग, दार्जिलिंग से ऊंचा है आपका शिमला और शिमला से ऊंचा है आपका लेह। तो यहाँ पर करेक्ट तरीके से कौन से सजाया गया है, तो सजाया गया आपका ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। ऑप्शन ए है गोवा, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी है आपका केरला। तो फिर अगर यहाँ पर देखा जाए स्टेट्स के बारे में, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे लंबी तट है, गोवा, गुजरात, आंध्र प्रदेश या फिर केरला? तो सबसे लंबा तट है गुजरात के पास और सबसे छोटा तट जो है वो है आपके गोवा के पास। और ईस्टर्न साइड के स्टेट्स में अगर देखा जाए तो सबसे लंबा ईस्टर्न साइड में जो है स्टेट्स, चार स्टेट है, उसमें से सबसे लंबा जो कोस्ट है वो है आपके आंध्र प्रदेश के पास। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स माउंटेन रेंजेस एंड द लोकेशन इज नॉट करेक्टली मैच। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी पर्वत श्रृंखला और उनके स्थान को सही मेल नहीं खाती है? ऑप्शन ए अगर देखा जाए तो है जास्कर रेंज और लद्दाख, ऑप्शन बी है आपका धौलाधड़ और हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है आपका सिंगालिया रेंज और अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी है आपका कुमान रेंज और उत्तराखंड। तो यहाँ पर जो गलत तरीके से दिया हुआ है वो है आपका सिंगालिया रेंज। सिंगालिया रेंज आपके अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, वो है आपके वेस्ट बंगाल में। सिंगालिया रेंज अगर देखा जाए तो फिर पर्टिकुलरली है वेस्ट बंगाल में, दार्जिलिंग में है आपका सिंगालिया रेंज। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डू नॉट डिस्चार्ज इट वाटर इन टू द बे ऑफ बंगाल। ऑप्शन ए है आपका महानदी, ऑप्शन बी है आपके कावेरी, ऑप्शन सी है आपका ताप्ती, ऑप्शन डी है आपका गोदावरी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में अपना पानी का निवरण नहीं करती है? ऑप्शन ए है आपकी महानदी, ऑप्शन बी है आपकी कावेरी, ऑप्शन सी है आपकी ताप्ती और ऑप्शन डी है आपका गोदावरी। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी ताप्ती। तो एक होती है वेस्ट फ्लोइंग रिवर और एक होती है ईस्ट फ्लोइंग रिवर। तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर होती है वो अपने पानी देती है अरेबियन सी में, और जितना ईस्ट फ्लोइंग रिवर होती है वो सारे अपने पानी देते हैं बे ऑफ बंगाल में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वेर इज द बागीलार हाइड्रो प्रोजेक्ट लोकेटेड। ऑप्शन ए ब्यास, ऑप्शन बी चेनाब, ऑप्शन सी राफी या फिर ऑप्शन डी सतलज। बागीला जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है आपका ब्यास, ऑप्शन बी है आपका चेनाब, ऑप्शन सी है आपका राफी या फिर ऑप्शन डी सतलज। तो इसका अगर सही आंसर देखा जाए ये कहाँ पर है, ये बागीला रेंज के बारे में अगर बात की जाए तो वो है ऑन द रिवर ऑप्शन बी चेनाब। चेनाब रिवर पे है आपका बागीला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लोकेटेड ऑन द चेनाब रिवर। अगले पे जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर सिस्टम इज रिवर सिस्टम फॉर्म द रिवर पद्मा। ऑप्शन ए है आपका गंगा, ऑप्शन बी है आपकी कावेरी एंड महानदी, ऑप्शन सी है आपका सतलज एंड झेलम, ऑप्शन डी है आपका दामोदर एंड हुगली नदी। निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली ने पद्मा नदी का निर्माण किया? ऑप्शन ए गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी कावेरी एंड महानदी, ऑप्शन सी सतलज एंड झेलम, ऑप्शन डी दामोदर एंड हुगली। तो अगर पद्मा नदी का देखा जाए तो ये बनता है आपकी गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी से। यहाँ पर हम लोग मैप में एक बार इस चीज़ को देख लेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं
हाइलाइटर यहाँ पर आप देख सकते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में जाती है तब उसका नाम हो जाता है जमुना। ये याद रखिएगा, यमुना नहीं होता, इसका नाम होता है जमुना, पिता जे। और अगर गंगा नदी की बात की जाए, गंगा नदी जब बहती है और ये फाइनल वेस्ट बंगाल में आती है तब ये दो हिस्से में डिवाइड हो जाती है। एक आपका हुगली नदी हो जाता है, दूसरा होता है भागीरथी जो चली जाती है आपके बांग्लादेश में। ये दोनों नदी जहाँ पर मिलती है वहीं पर बनता है आपका पद्मा। तो अभी के लिए इतना ही तक रखते हैं, अभी के लिए इतना ही तक रखते हैं। आप लोग थोड़ा रेस्ट लीजिए, मैं भी थोड़ा आराम कर लेता हूँ, और 1 मिनट का ब्रेक लेने के बाद फिर से मिलता है, इसको पूरे तरीके से ख़त्म करेंगे। ये एमसीक्यू जो सीरीज हो रहा है एमसीक्यू, उसके लास्ट से हम देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियाज वेस्टर्न कोस्टल प्लेन? ऑप्शन ए लोकेटेड बिटवीन वेस्टर्न घाट एंड अरेबियन सी कोस्ट, ऑप्शन बी वाइड प्लेन, ऑप्शन सी ड्रेन्ड बाय सेवरल शॉर्ट एंड स्विफ्ट रिवर्स। ऑप्शन सी ड्रेन्ड बाय सेवरल शॉर्ट एंड स्विफ्ट स्ट्रीम विच आर अनेबल टू फॉर्म डेल्टास, ऑप्शन डी मोस्टली ऑफ इमर्जिंग टाइप कैरेक्टराइज बाय ऑफशोर बार्स फाइन सी बीचेस सैंड रिजेस एंड लेगून। निम्नलिखित में से कौन भारत की पश्चिमी तटीय मैदान की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए लोकेटेड बिटवीन वेस्टर्न घाट एंड अरेबियन सी कोस्ट, ऑप्शन बी वाइड प्लेन, ऑप्शन सी ड्रेन्ड बाय सेवरल शॉर्ट एंड स्विफ्ट स्ट्रीम्स व्हिच आर अनेबल टू फॉर्म डेल्टास, ऑप्शन डी मोस्टली ऑफ मर्चेंट टाइप कैरेक्टराइज बाय ऑफशोर बार्स फाइन बीचेस सैंड बीचेस एंड लेगूनस। तो हर एक स्टेटमेंट देखते पहले लोकेटेड बिटवीन वेस्टर्न घाट एंड अरेबियन सी। तो जैसे कि पता ही आपको कि वेस्टर्न कोस्ट जो है कोस्टल एरिया बीच वेस्टर्न घाट से घिरा हुआ है और अलग साइड पे अरेबियन सी। तो ये वाला जो पहला स्टेटमेंट है ये तो सही हो गया। दूसरा आता है वाइट प्लेन, तो इसके पास तो वाइट प्लेन है ही नहीं। तीसरा आता है ड्रेन बाय सेवरल शॉर्ट एंड स्विफ्ट स्ट्रीम्स आर अनेबल टू फॉर्म डेल्टास, ये भी सही बात है क्योंकि ये डेल्टास नहीं बनाते, ये बनाते हैं आपके एस्टुअरीज। मोस्टली ऑफ इमर्जिंग टाइप कैरेक्टराइज्ड बाय ऑफशोर बार्स फाइन सी बीचेस एंड रीजेस एंड लेगूनस। आपको जैसे बताइए कि गोवा आपके वेस्टर्न साइड है और वेस्टर्न बीच है, आपको बताइए उसके बीच कितने ज्यादा फेमस है। और ये जो लेगूनस है ये भी आपको पता ही होगा कि केरला के साइड में लेगूनस भी कितने ज्यादा फेमस है। इसमें एक ही कलर स्टेटमेंट है, ये है वाइट प्लेन्स। अब यहाँ पर वाइट प्लेन्स क्यों नहीं है वो भी समझ लेंगे, क्योंकि अगर आपको याद हो ये डेल्टा और एस्टुअरी का जो इमेज था उसमें जब डेल्टा आते हैं तब वो लैंडफॉर्म्स बनाते हैं, प्लेन्स बनता है। जैसे आप अगर ईस्टर्न कोस्ट में देखें तो फिर ईस्टर्न कोस्ट में है आपका उत्कल प्लेन जो ऐसे डेल्टा से बनते हैं उत्कल प्लेन पर। एस्टुअरीज में ऐसे कोई भी प्लेन नहीं बनता, आप देख ही सकते हैं एस्टुअरीज में कोई भी लैंडफॉर्म का यहाँ पर कोई भी लैंडफॉर्म नहीं है, कोई भी लैंडफॉर्म नहीं बनता या फिर फॉर्मेशन नहीं होता लैंडफॉर्म्स का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लेक ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए नैनीताल लेक, ऑप्शन बी सांभर लेक, ऑप्शन सी श्रीराम लेक, ऑप्शन डी चिल्का लेक। निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी झील है? ऑप्शन ए है आपका नैनीताल लेक, ऑप्शन बी है आपका सासाराम लेक, ऑप्शन बी फिर से पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी झील है? ऑप्शन ए नैनीताल लेक, ऑप्शन बी है सांभर लेक, ऑप्शन सी आपका श्रीराम लेक या फिर ऑप्शन डी है आपका चिल्का लेक। तो अगर देखा जाए इंडिया का जो सबसे बड़ा लेक है वो ऑप्शन डी यहाँ पर चिल्का लेक। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम महाबलेश्वर महाराष्ट्र? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी कोयना या फिर ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी महाबलेश्वर महाराष्ट्र के पास से निकलती है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी कोयना या फिर ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कृष्णा। सॉरी यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया, ये आपका होगा सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। कृष्णा और कोयना नदी दोनों जो है वो महाबलेश्वर से निकल दिया और कोयना नदी इज वन ऑफ द ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा नदी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज हाइडल पावर प्रोजेक्ट अथवा झांकी? ऑप्शन ए है आपका हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है आपका उत्तराखंड, ऑप्शन सी है आपका जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन डी है आपका मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से किस राज्य में हाइडल पावर प्रोजेक्ट अथवा झांकी है? ऑप्शन ए है आपका हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है आपका उत्तराखंड, ऑप्शन सी है आपका जम्मू कश्मीर और ऑप्शन डी है आपका मध्य प्रदेश। तो इसका अगर सही आंसर देखा जाए नरपा झाकड़ी है आपके हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन ए आपकी हिमाचल प्रदेश में है नरपा झाकड़ी और दिस इज अ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ऑन द रिवर सत।
Which of the following region receives rainfall by western disturbances? Option A, Punjab. Option B, Kerala. Option C, Tamil Nadu. Ya fir option D, Karnataka coast. पश्चिमी विशा द्वारा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वर्षा होती है? ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी है केरला, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, ऑप्शन डी है कर्नाटका कोस्ट। अगर वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से बात की जाए तो ये बात हो रहा है वेस्टर्ली से, और वेस्टर्ली से कहाँ पर रेनफॉल रिसीव होता है? तो रेनफॉल रिसीव होता है नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में। तो इनमें से कौन से एरिया नॉर्थ वेस्टर्न रीजन है? तो है पंजाब, ऑप्शन ए पंजाब। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैव कॉमन काउंटी विद द इंडियन स्टेट लाइक उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। ऑप्शन ए है आपका चाइना, ऑप्शन बी है आपका नेपाल, ऑप्शन सी है आपका भूटान, ऑप्शन डी है आपका म्यांमार। निम्नलिखित में से किस देश को भारतीय राज्य जैसे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के साथ सामान्य सीमा है? ऑप्शन ए है चाइना, ऑप्शन बी है नेपाल, ऑप्शन सी है भूटान, ऑप्शन डी है म्यांमार। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, नेपाल। ज्योग्राफी में 30% क्वेश्चन तो आप ऐसे ही आंसर दे सकते हैं अगर आपको मैप पूरा आपके दिमाग में बैठा हुआ हो। यहाँ पर भी हम लोग एक बार मैप को देख लेंगे। यहाँ पर नेपाल की बात की जाए तो नेपाल के साथ आप देख सकते हैं, यहाँ पर बॉर्डर शेयर हो रहा है उत्तराखंड के साथ, उत्तर प्रदेश के साथ, बिहार के साथ और फिर यहाँ पर है वेस्ट बंगाल, इन सभी स्टेट्स के साथ या ये सारे स्टेट्स जो है इनके साथ बॉर्डर शेयर हो रहे हैं, जिसके साथ नेपाल के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज पुडुचेरी, ऑप्शन बी आपका अंडमान एंड निकोबार, ऑप्शन सी आपका लक्षद्वीप, ऑप्शन डी है आपका दमन एंड दीव। भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से कौन सा गर्मियों के छुट्टी के लिए सबसे उपयुक्त होगा यदि आप कावरेती के यात्रा के लिए चुनते हैं? तो ये समझिए क्वेश्चन क्यों दिया हुआ है आपको, यहाँ पर टूर गाइड या टूर मैनेजर बनाने के लिए नहीं बोला गया, सिर्फ एक कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया हुआ है। अगर आपको जगह दिया हुआ है कि कावरेती में आपको टूर करना है तो आप वहीं पे जाएंगे कि जहाँ से कावरेती सबसे क्लोज होगी। आप मान लीजिए टूर करने के लिए ग्वालियर सिलेक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली आप तो राजस्थान नहीं जाएंगे, आप जाएंगे मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पर यही पूछा गया कि कावरेती कहाँ पर है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए तो समझ आएगा। यही क्वेश्चन दिया हुआ है कि कावरेती आपके कहाँ पर है, तो कावरेती आपका है लक्षद्वीप में, लक्षद्वीप की जो कैपिटल है वो है आपकी कावरेती। तो यहाँ पर सही आंसर होगा आपका लक्षद्वीप। विच ऑफ द फॉलोइंग द कंट्री डज नॉट शेयर लैंड बाउंड्री विद इंडिया? ऑप्शन ए है आपका भूटान, ऑप्शन बी है आपका बांग्लादेश, ऑप्शन सी है आपका ताजिकिस्तान, ऑप्शन डी है आपका नेपाल। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ भूमि सीमा का नहीं करता है? ऑप्शन ए है भूटान, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी है ताजिकिस्तान, ऑप्शन डी है नेपाल। तो यहाँ पर आपका अगर सही आंसर देखा जाए तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ताजिकिस्तान। एक बार हम लोग मैप में इस चीज को देख लेंगे। यहाँ पर जो आप लोग बॉर्डर देख रहे हैं यहाँ तक तो आपको पाकिस्तान का है, ये क्लियर है। यहाँ पर ये जो छोटा सा बॉर्डर है ये हम लोग का बॉर्डर है विद अफगानिस्तान, जिसे हम लोग ब्लू लाइन कहते हैं। अफगानिस्तान के ऊपर है ताजिकिस्तान, और ताजिकिस्तान के साथ इंडिया का कोई भी बॉर्डर नहीं है। ये जो अफगानिस्तान के बाद जो भी जितना बॉर्डर देख रहे हैं वो सब हम लोग का है विद चाइना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द साउदर्न मोस्ट हिमालयस? ऑप्शन ए शिवालिक, ऑप्शन बी हिमाद्री, ऑप्शन सी हिमाचल या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। निम्नलिखित में से किसे दक्षिणी हिमालय कहा जाता है? ऑप्शन ए शिवालिक, ऑप्शन बी हिमाद्री, ऑप्शन सी हिमालयस, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। अगर आप लोग हिमालयस का देखेंगे तो हिमालयस में सबसे पहले आप लोग देखेंगे कि वहां पर आता है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के बाद जो मेन आता है वो होता है ग्रेटर हिमालय, जिसे बोला जाता है हिमाद्री, हिमाद्री भी कह सकते हैं या फिर बोला जाता है ग्रेटर हिमालय। फिर उससे थोड़ा नीचे के डिस्टेंस में आता है आपका हिमाचल, हिमाचल जहाँ पर आपके ज्यादातर आपके हिल स्टेशन मिलते हैं इस एरिया में, और फिर उससे भी नीचे आता है शिवालिक। शिवालिक अगर बात की जाए ट्रांस हिमालय की, तो ट्रांस हिमालय यह याद रखिएगा हमेशा, ट्रांस हिमालय जो है वो हिमालय का एक हिस्सा नहीं है, हिमालय स्टार्ट होती है हिमाद्री से। तो सबसे साउदर्न मोस्ट हिमालय कौन सा है? तो वो है आपका शिवालिक। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ शाद्रीज? ऑप्शन ए आरावली, ऑप्शन बी वेस्टर्न घाट, ऑप्शन सी हिमाद्री या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। शाद्री का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए आरावली, ऑप्शन बी वेस्टर्न घाट, ऑप्शन सी हिमाद्री, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो आपने अगर पूरा ये एमसीक्यू देखा होगा तो आपने देखा है ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, तो ये क्वेश्चन सेम रहता है खाली थोड़ा पूछने का पैटर्न चेंज कर देता है। इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें ये बोला गया था कि शाद्री को जो ऐसे लोग फेमस है वर्ल्ड में फेमस है उसे क्या नाम से जानते हैं, तो वो हो गया वेस्टर्न घाट, और यहाँ पर पूछा अनदर नेम फॉर शाद्री, ये भी होगा आपका वेस्टर्न घाट। तो सेम क्वेश्चन आप देख रहे कैसे चेंज करके थोड़े बहुत चेंज करके सेम क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। वेयर डज द पार्क स्टेट लाई? ऑप्शन ए है श्रीलंका मालदीव, ऑप्शन बी है इंडियन श्रीलंका, ऑप्शन सी है इंडियन मालदीव या फिर ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में है आपका पार्क स्टेट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉपुलर नेम ऑफ इंडियन आइलैंड इन द अरेबियन सी? ऑप्शन ए अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ऑप्शन बी लक्षद्वीप आइलैंड, ऑप्शन सी मालदीव या फिर ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। अरब सागर में निम्नलिखित में से कौन भारतीय द्वीप में लोकप्रिय नाम है? ऑप्शन ए अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ऑप्शन बी लक्षद्वीप आइलैंड,
ऑप्शन सी मालदीव्स या ऑप्शन डी बोथ ए एंड ई। तो इसका जो सही आंसर है ये होगा आपका अरेबियन सी में कौन सा है, तो अरेबियन सी में है आपका लक्षद्वीप आइलैंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया, ऑप्शन ए अरावली माउंटेन्स, ऑप्शन बी वेस्टर्न घाट, ऑप्शन सी हिमालयस या फिर ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी। निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, ऑप्शन ए है आपका अरावली माउंटेन्स, ऑप्शन बी है आपका वेस्टर्न घाट, ऑप्शन सी आपका हिमालयस या फिर ऑप्शन डी है आपका बोथ ए एंड सी। तो इसमें सही आंसर जो होगा वो होगा आपका अरावली माउंटेन्स। अरावली माउंटेन्स की अगर बात की जाए इसमें जो हाईएस्ट पीक है अरावली माउंटेन्स का वो है आपका गुरु शिखर, ये हाईएस्ट माउंटेन ऑन द अरावली माउंटेन्स। विच ऑफ द फॉलोइंग वाटरफॉल्स इज लोकेटेड ऑन द आफांसी रिवर इन कर्नाटका, ऑप्शन ए है आपका रहला रिवर, ऑप्शन बी है आपका उंचाली रिवर, ऑप्शन सी है आपका चचाई सॉरी ऑप्शन ए आपका रिहाला फॉल्स, ऑप्शन बी है आपका उंचाली फॉल्स, ऑप्शन सी आपका चचाई फॉल्स या फिर ऑप्शन डी है आपका हेबे फॉल्स। तो यहाँ पर अगर देखा जाए निम्न में से कौन सा झरना कर्नाटक में अफनांसी नदी पर स्थित है, ऑप्शन ए है आपका रहला फॉल्स, ऑप्शन बी आपका उंचाली फॉल्स, ऑप्शन सी आपका चचाई फॉल्स या फिर ऑप्शन डी आपका हेबे फॉल्स। तो फिर यहाँ पर सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी उंचाली फॉल्स। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, बुढ़ाक फॉल्स या फिर दोध फॉल्स आर लोकेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इन इंडिया, ऑप्शन ए मंचकुंड रिवर, ऑप्शन बी मंडवी रिवर, ऑप्शन सी बुढ़ा रिवर, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर स्थित है बुढ़का या फिर लोध फॉल्स, ऑप्शन ए है आपका मंचकुंड फॉल्स, ऑप्शन बी है आपका मंडवी रिवर, ऑप्शन सी है आपका बुढ़ा रिवर या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर सही आंसर है आपका ऑप्शन सी बुढ़ा रिवर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नोन एज द सॉर्ड ऑफ बिहार, ऑप्शन ए है आपका गंडक, ऑप्शन बी है आपका तापी, ऑप्शन सी है आपका कोसी, ऑप्शन डी है आपका सन। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का सौरव कहा जाता है, ऑप्शन ए है गंडक, ऑप्शन बी है तापी, ऑप्शन सी है कोसी या फिर ऑप्शन डी है सन। तो फिर यहाँ पर सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी कोसी, कोसी नदी को कहा जाता है सौरव ऑफ बिहार। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नोन एज द सॉर्ड ऑफ बंगाल, ऑप्शन ए है दामोदर, ऑप्शन बी है हुगली, ऑप्शन सी है मेघना, ऑप्शन डी है सन। निम्नलिखित में से किस नदी को बंगाल का सौरव कहा जाता है, ऑप्शन ए है दामोदर, ऑप्शन बी है हुगली, ऑप्शन सी है मेघना, ऑप्शन डी है सन। ये तो जो पहला क्वेश्चन हम लोग ने किया था वो एग्जैक्ट क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें जो ऑप्शन है वो ऑप्शन का अरेंजमेंट चेंज कर दिया गया है। तो आज एग्जाम में ऐसे करते हैं कि ऑप्शन भी होते हैं जो अरेंज किए हुए उसी ऑप्शन को याद करके चले जाते हैं, ऐसा भी बहुत बार होता है कि ऑप्शन को बिल्कुल चेंज करके दे दिया जाता है। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा सॉर्ड ऑफ बंगाल वो कहा जाता है ऑप्शन ए दामोदर को। पुणे सिटी इज लोकेटेड नियर टू विच रिवर, ऑप्शन ए मुठा, ऑप्शन बी मुसी, ऑप्शन सी लुडी या फिर ऑप्शन डी कुर्सी। पुणे शहर किस नदी के पास स्थित है, ऑप्शन ए मुठा, ऑप्शन बी मुसी, ऑप्शन सी लुनी या फिर ऑप्शन डी कोशी। तो फिर आपका सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन ए मुठा रिवर। अब बीच रिवर भाटानगर डैम इज सिचुएटेड, ऑप्शन ए रफी, ऑप्शन बी सतलज, ऑप्शन सी गंडक या फिर ऑप्शन डी यमुना। भाटानगर बांध किस नदी पर स्थित है, ऑप्शन ए रफी, ऑप्शन बी सतलज, ऑप्शन सी गंडक या फिर ऑप्शन डी यमुना। तो यहाँ पर सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी सतलज। अगला क्वेश्चन है, इन दिस स्टेट रिवर किशन गंगा फ्लोज, ऑप्शन ए है आपका उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है आपका मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी आपका जम्मू एंड कश्मीर और ऑप्शन डी है आपका आसाम। किशन गंगा किस राज्य में बहती है, ऑप्शन ए है आपका उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है आपका मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है आपका जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन डी है आपका आसाम। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर को जो किशन गंगा रिवर है इसको जम्मू एंड कश्मीर में नीलम नदी के नाम से भी जाना जाता है। इन विच ईयर गंगा वाटर ट्रीटी वाज साइंड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, ऑप्शन ए है 1996, ऑप्शन बी है 1980, ऑप्शन बी है 1970 या फिर ऑप्शन डी है 1990। भारत और बांग्लादेश के बीच किस वर्ष में गंगा जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, ऑप्शन ए है आपका 1996, ऑप्शन बी है 1980, ऑप्शन बी है 1970, ऑप्शन डी है आपका 1990। तो आपका सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन ए 1996। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट फॉर्म एनी डेल्टा एट इट्स माउथ, ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी ताप्ती या फिर ऑप्शन डी कावेरी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने ए पर कोई डेल्टा नहीं बनाती है, ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी ताप्ती या फिर ऑप्शन डी कावेरी। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन सी कावेरी। ताप्ती, नर्मदा और आपका दामोदर, ये तीनों नाम याद रखिएगा क्योंकि तीनों नाम से काफी क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि डज नॉट फॉर्म द डेल्टा, इन तीनों में से कोई भी दे सकता है। फिर कॉन्डिफर्स एस्टुएरीज हो जाते हैं, इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। फिर फ्लोस थ्रू अ रिज, फॉर्म्स अ वैली, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि आप लोग के एग्जाम में आ सकते हैं। ये तीन रिवर्स आप अच्छे तरीके से याद रखिए, क्वेश्चन किसी भी तरीके से किसी भी फॉर्म में दे सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज वन ऑफ द ओनली थ्री रिवर्स इन पेनिनसुला इंडिया दैट रन्स ईस्ट टू वेस्ट, द अदर बीइंग नर्मदा एंड द माही रिवर,
ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी ताप्ती या फिर ऑप्शन डी यमुना। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीप के भारत में केवल तीन नदियों में से एक है जो कि जो पूर्व से पश्चिम तक चलती है, उनमें नर्मदा नदी और माही नदी है। ऑप्शन ए गंगा, महानदी, ऑप्शन सी ताप्ती, ऑप्शन डी यमुना। तो ये हो गया ऑप्शन सी ताप्ती। तो ताप्ती, नर्मदा नदी और दामोदर नदी, आप देख रहे कितने फीचर्स हैं, एग्जाम में कितने तरीके से इन नदियों पे क्वेश्चन आ सकते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू सन रिवर। द फर्स्ट डैम ऑन द सन वाज बिल्ट इन 1873 टू 74 एट दिल्ली। दूसरा स्टेटमेंट है द इंद्रपुरी बैरेज वाज कंस्ट्रक्टेड 8 किलोमीटर एंड कमीशन इन 1968। इस क्वेश्चन को पहले समझते क्या है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, दो स्टेटमेंट दिए जाते हैं, इन दोनों स्टेटमेंट में ये बोला जाता है कि इन दोनों स्टेटमेंट से कौन सा स्टेटमेंट सही है और क्या गलत है। तो दोनों स्टेटमेंट को पढ़ते हैं पहले। तो पहला डैम जो सन नदी पे बनाया गया था उसे बनाया गया था 1873 और 74 में, और कहाँ पे बनाया गया था, धहरी नदी पर। दूसरा जो स्टेटमेंट है वो क्या लिखा हुआ है, जो इंद्रपुरी बैरेज है, इंद्रपुरी बैरेज को सन नदी पे कमीशन किया गया था 1968 में। इसमें दे दिया गया है ऑप्शंस, इनमें से बोला गया है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है। पहला दिया गया सिर्फ पहला स्टेटमेंट सही है, मतलब ये 74 में नदी में सन नदी में आकर डैम बना था पहला डैम। अब सेकेंड ऑप्शन बी में ओनली टू, मतलब सिर्फ सेकेंड स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन सी में दिया हुआ है दोनों स्टेटमेंट, पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन डी में दिया हुआ है नाइदर वन नॉट टू, मतलब इन दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। तो आपका सही आंसर जो होगा वो होगा आपका सी, ये दोनों स्टेटमेंट सही है। तो ये फिर से आपके विकिपीडिया पेजेस से पूरा जो क्वेश्चन है उसको ले लिया गया, पूरा जो स्टेटमेंट है ये यहाँ से यहाँ तक पूरा जो स्टेटमेंट है विकिपीडिया पे। आप अगर सन रिवर के बारे में पढ़ेंगे तो फिर आपको विकिपीडिया में ये आसानी से मिल जाएगा। तो खाली किताब में पढ़ना जरूरी नहीं होता है, नेट में और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो आपको मिलता है वो सब भी आपको लेना पड़ता है, वही डिफ्रेंशिएट करता है आपको कि कौन सिलेक्ट होता है और कौन सिलेक्ट नहीं होता है एग्जाम में। द ताप्ती रिवर इज फ्लोइंग फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। ऑप्शन ए है आपका सतपुड़ा रेंज, ऑप्शन बी है आपका विंध्याचल रेंज, ऑप्शन सी है आपका वेस्टर्न घाट, ऑप्शन डी है आपका ईस्टर्न घाट। ताप्ती नदी निम्न में से किस क्षेत्र से बहती है, पहला है आपका सतपुड़ा रेंज, दूसरा है आपका विंध्याचल रेंज, तीसरा सी में आपका वेस्टर्न घाट और डी में आपका ईस्टर्न घाट। तो यहाँ पर सही आंसर अगर देखा जाए तो फिर यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन ए सतपुड़ा रेंज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लूनी रिवर इज फ्लोइंग फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। ऑप्शन ए है आपका पंजाब, ऑप्शन बी है आपका राजस्थान, ऑप्शन सी है आपका हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी है आपका मध्य प्रदेश। लूनी नदी निम्न में से किस क्षेत्र से बह रही है, ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश या फिर ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो लूनी नदी की अगर बात की जाए ये बहती है आपकी ऑप्शन बी राजस्थान में से। लूनी नदी जो है वो बहती है आपकी राजस्थान में से, तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, व्हाट फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डायरेक्टिंग द इंडियन पेनिनसुला रिवर नर्मदा ताप्ती रिवर्स टू फ्लो वेस्टवर्ड। नर्मदा और ताप्ती नदियों को पश्चिम की ओर बहने के लिए भारतीय प्रायद्वीप की नदी का जीवर्तित करने के लिए कौन सा कारक जिम्मेदार है, पहला है ओल्ड रिवर कोर्सेस, दूसरा है वैली कार्ट बाई इरोशन, सी है लैंड मासेस और डी है आपका रिफ्ट वैली। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन डी आपका रिफ्ट वैली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट रिवर बेसिन ऑफ द इंडियन पेनिनसुला रीजन। ऑप्शन ए है आपका गोदावरी, ऑप्शन बी आपका महानदी, ऑप्शन सी आपका एडिशनल या फिर ऑप्शन डी है आपका कोयना। निम्नलिखित में से भारतीय प्रायद्वीपीय नदी के सबसे निम्नलिखित में से कौन भारतीय प्रायद्वीपीय क्षेत्र के सबसे बड़े नदी बेसिन है, ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी कृष्णा या फिर ऑप्शन डी कोयना। तो फिर अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा जो बेसिन बनाती है पेनिनसुला इंडिया की रिवर वो है आपकी ऑप्शन ए गोदावरी। तो यहाँ पर मैप है, वहां पर भी आप देख सकते हैं गोदावरी की लाइने, ये आप देख लेते हैं ये पिंक वाले बेसिन है, उसकी देख सकते हैं कितना बड़ा एरिया है जो गोदावरी अपने बेसिन बनाती है। बेसिन मतलब ये समझ लीजिए कि जो रिवर्स होते हैं, रिवर्स का पानी जहाँ जहाँ तक पहुँचता है उसी को कहा जाता है बेसिन। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज सपोर्ट द नॉन पेरिनियल फीचर्स ऑफ पेनिनसुला इंडिया रिवर्स। ऑप्शन ए रेनफॉल इज सीजनल, ऑप्शन बी रेनफॉल इज लो, ऑप्शन सी रेनफॉल वेरीज फ्रॉम ईयर टू ईयर, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। निम्नलिखित में से कौन सा कारक प्रायद्वीपीय भारतीय नदियों के गैर बारहमासी विषयों के समर्थन करता है, ऑप्शन ए रेनफॉल इज सीजनल, ऑप्शन बी रेनफॉल इज स्लो, ऑप्शन बी रेनफॉल वेरीज फ्रॉम ईयर टू ईयर या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इसमें अगर सही आंसर देखा जाए तो फिर देखा जाएगा रेनफॉल इज सीजनल, क्योंकि जो नॉन पेरिनियल रिवर होते हैं उनमें जो मेन सोर्स होता है वो आपका रेनफॉल होता है, पर इंडिया में जो रेनफॉल होता है वो सीजनल होता है, मतलब आपके समर के सीजन में तो रेनफॉल नहीं होता है इसलिए यहाँ पर पानी भी नहीं मिलता, इसलिए जो मेन कारण है इन नदियों का सूख जाने का वो है रेनफॉल आपका सीजनल होता है इंडिया में। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर सिस्टम क्रिएटेड द जोग वाटरफॉल्स। निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली ने जोग झरने का निर्माण किया, आपका पहला ऑप्शन है तुंगभद्रा, ऑप्शन बी है आपका शाबदी, ऑप्शन सी है आपका कोयना या फिर ऑप्शन डी आपका नन ऑफ द अबव। तो इसमें जो सही आंसर है वो होगा आपका शाबदी नदी।
जहां पर फॉलोइंग रिवर सिस्टम फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द कोयना रिवर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रणाली कोयना नदी का एक हिस्सा है? ऑप्शन ए है कावेरी, ऑप्शन बी कृष्णा नदी, पहला ऑप्शन है कावेरी नदी, दूसरा ऑप्शन है कृष्णा नदी, ऑप्शन सी है गोदावरी या फिर ऑप्शन डी महानदी। इसमें जो सही आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन बी कृष्णा नदी। अगला क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नोन एज द दक्षिण गंगा? ऑप्शन ए है आपका महानदी, ऑप्शन बी है आपका कृष्णा, ऑप्शन सी है आपका गोदावरी, ऑप्शन डी है आपका कावेरी। इसमें अगर देखा जाए दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है तो फिर कहा जाता है ऑप्शन सी गोदावरी को। व्हाट इज द हाइट ऑफ द दूधसागर फॉल्स? ऑप्शन ए है 320 मीटर, ऑप्शन ए है 320 मीटर, ऑप्शन बी है 280 मीटर, ऑप्शन सी है 190 मीटर, ऑप्शन डी है 2.56 मीटर। दूधसागर की ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन ए है 320 मीटर, ऑप्शन बी है 280 मीटर, ऑप्शन सी है 190 मीटर, ऑप्शन डी है 2.56 मीटर। तो यहां पर सही आंसर होगा आपका 320 मीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रॉम वेयर द रिवर गोदावरी ओरिजिनेट्स? ऑप्शन ए है उत्तराखंड, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश या फिर ऑप्शन डी है जम्मू एंड कश्मीर। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी है जम्मू कश्मीर। तो गोदावरी नदी जो है वो निकलती है आपके महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट से निकलती है आपकी गोदावरी नदी। और ये जो गोदावरी नदी है अगर पूछा जाए कि उद्गम स्थल कौन सा है तो है आपका त्रिंबकेश्वर, त्रिंबकेश्वर से आपकी गोदावरी नदी निकलती है। वेयर इज द मयूराक्षी प्रोजेक्ट? ऑप्शन ए है आपका जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन बी है आपका झारखंड, ऑप्शन सी है वेस्ट बंगाल, ऑप्शन डी है आपका महाराष्ट्र। मयूराक्षी परियोजना कहाँ है? ऑप्शन ए आपका जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन बी आपका झारखंड, ऑप्शन सी आपका वेस्ट बंगाल या फिर ऑप्शन डी है आपका महाराष्ट्र। तो यहाँ पर सही आंसर है आपका मयूराक्षी प्रोजेक्ट है आपके, जो मयूराक्षी प्रोजेक्ट है, मयूराक्षी प्रोजेक्ट है आपके झारखंड में, और झारखंड में इसे कैनेडा डैम भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं रिवर नर्मदा फ्लोज टू? ऑप्शन ए है आपका, ऑप्शन ए है आपका बे ऑफ बंगाल, ऑप्शन बी आपका अरेबियन सी, ऑप्शन सी आपका इंडियन ओशन, ऑप्शन डी है आपका नन ऑफ दिस। तो नर्मदा नदी कहाँ पर बहती है? नर्मदा नदी जाती है आपके अरेबियन सी में, नर्मदा नदी इसके साथ नदी। अगला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट रिहान स्कीम? इट इज मेड ऑन रिवर रिहान, ऑप्शन बी इट इज इन उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी इस पर्पस इज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन से रिहान योजना के बारे में सही नहीं है? ऑप्शन ए इट इज मेड ऑन द रिवर रिहान, ऑप्शन बी इट इज इन उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी इट्स पर्पस इज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव आर इनकरेक्ट। तो यहाँ पर क्वेश्चन आप एक बार देख लीजिए ठीक से, द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, सही नहीं है रिहान डैम के बारे में। पहला जो है इट इज मेड ऑन रिवर रिहान, ये तो सही बात है, इट इज इन उत्तर प्रदेश, ये भी सही है, उसका मेन काम जो है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है, ये भी सही बात है। ऑल ऑफ द अबव आर इनकरेक्ट, इनकरेक्ट तो नहीं है, करेक्ट है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज नॉट ट्रू अबाउट द रिहान स्कीम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पेनिनसुलर रिवर ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए है आपका महानदी, ऑप्शन बी है आपके गोदावरी, ऑप्शन सी है आपका कृष्णा या फिर ऑप्शन डी आपका गंगा। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रायद्वीपीय नदियां नहीं है? तो आपने अगर पिछले जन्म में बहुत अच्छे काम किए होंगे तो ऐसे क्वेश्चन आपको आ जाते हैं, वैसे क्वेश्चन मेरे आपके एग्जाम में बहुत ही कम आते हैं। ऑप्शन ए है आपके महानदी, ऑप्शन बी है गोदावरी, ऑप्शन सी है कृष्णा, ऑप्शन डी है गंगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है तो सबको पता होगा ऑप्शन डी है आपका गंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट इज मेड ऑन द सतलज रिवर? ऑप्शन ए है आपका भाखड़ा नंगल, ऑप्शन बी है आपका रिहान, ऑप्शन सी है आपका तलचर प्रोजेक्ट और ऑप्शन डी है आपका कोबरा प्रोजेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना सतलज नदी पर बनाई गई है? ऑप्शन ए है आपका भाखड़ा नंगल, ऑप्शन ए आपका भाखड़ा नंगल, ऑप्शन बी है आपका रिहान, ऑप्शन सी है आपका तलचर पावर और ऑप्शन डी है आपका कोबरा प्रोजेक्ट। यहाँ पर सही आंसर हो गया आपका ऑप्शन ए भाखड़ा नंगल, जो डैम है वो बनाया गया है ऑन द सतलज रिवर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट ऑरिजिनेट फ्रॉम इंडिया? ऑप्शन ए है आपका गंगा, ऑप्शन बी है आपका यमुना, ऑप्शन सी है आपका चंबल या फिर ऑप्शन डी है ब्रह्मपुत्र। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत से उत्पन्न नहीं होती है? ऑप्शन ए है आपका गंगा, ऑप्शन बी है आपका यमुना, ऑप्शन सी आपका चंबल, ऑप्शन डी है आपका ब्रह्मपुत्र। तो इसमें जो उत्पन्न नहीं होता इंडिया से हो गया ब्रह्मपुत्र, ये कहां से आता है? ये आता है आपके टिबेट में से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? ऑप्शन ए सांबा लेक इज यूज फॉर सॉल्ट प्रोडक्शन, ऑप्शन बी वेम्बनाड लेक इज सर लगुन लेक इन केरला, ऑप्शन सी परीचू लेक वॉज क्रिएटेड ड्यू टू टेक्टोनिक एक्टिविटीज और ऑप्शन डी राजस्थान हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ लेक्स इन इंडिया। तो इसमें अगर सही ऑप्शन देखा जाए विच इज नॉट ट्रू तो वो है आपका राजस्थान, इट इज नॉट राजस्थान, राजस्थान से ज्यादा लेक से दूसरे स्टेट्स ऑफ इंडिया में। और यहाँ पर अगर लगून लेक की बात की जाए, लगून कैसे फॉर्म होता है वो एक बार समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई लैंड एरिया है, लैंड एरिया में जो ओशियन का पानी है या फिर जो सी का पानी है, लैंड एरिया ओशियन का पानी सी का पानी आस्ते आस्ते अंदर आ गया,
आने के बाद किसी भी कारण से, मिट्टी गिरने की वजह से या किसी भी दूसरे कारण से, ये जो दूसरे तरफ के जो लैंड एरिया है वो एक दूसरे से जॉइन हो जाते हैं और ये जो सी का ओशन है, सी है या फिर ओशन है, उसे लैंड एरिया से दूर कर देती है या अलग हो जाता है। इसी को कहा जाता है आपका लगून। Which of the following is the largest freshwater lake of India? ऑप्शन ए है आपका पुलिकट लेक, ऑप्शन बी है आपका चिल्का लेक, ऑप्शन सी है आपका वुलर लेक या फिर ऑप्शन डी है वेम्बनाड। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है? ऑप्शन ए है आपका पुलिकट, ऑप्शन बी है चिल्का, ऑप्शन सी है वुलर लेक, ऑप्शन डी है वेम्बनाड। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी वुलर लेक। वुलर लेक की अगर बात की जाए तो फिर यह है जम्मू एंड कश्मीर में। वुलर लेक को जो पानी देता है वो है झेलम नदी। वेयर इज डल लेक? ऑप्शन ए है आपका राजस्थान, ऑप्शन बी है आपका हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है आपका जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन डी है आपका उड़ीसा। डल झील कहाँ है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी जम्मू एंड कश्मीर या फिर ऑप्शन डी उड़ीसा। यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो डल लेक कहाँ पर है, तो सही ऑप्शन होगा आपका जम्मू एंड कश्मीर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट वुलर लेक? ऑप्शन ए इट बिलोंग्स टू इंडस रिवर, ऑप्शन बी इट इज द फ्रेश वाटर लेक, ऑप्शन सी इट इज इन जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन डी इट सर्फेस एरिया स्प्रेड इन द रेंज ऑफ 30 to 2.60 किलोमीटर स्क्वायर। वुलर झील के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए इट बिलोंग्स टू द इंडस रिवर, ऑप्शन बी इट इज अ फ्रेश वाटर लेक, ऑप्शन सी इट इज इन जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन डी इट इज अ सरफेस एरिया स्प्रेड इन द रेंज ऑफ 30 to 2.60 किलोमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर जो गलत है वो है इंडस रिवर पे नहीं, ये झेलम रिवर के पानी से मिलता है यहाँ को, नॉट ट्रू। तो ये हो गया ऑप्शन ए। चित्रकूट फॉल्स आर लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? ऑप्शन ए है आपका झारखंड, ऑप्शन बी है आपका छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी है आपका उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है आपका बिहार। चित्रकूट फॉल्स निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है आपका छत्तीसगढ़, ऑप्शन ए आपका झारखंड, ऑप्शन बी है आपका छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी है आपका उत्तर प्रदेश या फिर ऑप्शन डी है आपका बिहार। तो फिर यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन बी छत्तीसगढ़। तालकोना इज द हाईएस्ट वाटरफॉल इन आंध्र प्रदेश, सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स? तालकोना जो कि हाईएस्ट वाटरफॉल है आंध्र प्रदेश में, वो किस डिस्ट्रिक्ट में है आंध्र प्रदेश का? तो ऑप्शन ए है आपका चित्तौड़, चित्तूर, ऑप्शन बी है विशाखापट्टनम, ऑप्शन सी है कुर्नूल या फिर ऑप्शन डी है आपका गंटोर। तो आपका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन ए चित्तूर। तो आज का आखिरी क्वेश्चन देख लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द पुष्कर लेक? ऑप्शन ए इट इज इन राजस्थान स्टेट, ऑप्शन बी इट इज अ नेचुरल लेक, ऑप्शन सी बिलोंग्स टू लूनी रिवर, ऑप्शन डी इट सरफेस एरिया इज 2.2 किलोमीटर स्क्वायर। निम्नलिखित में से कौन पुष्कर झील के बारे में सही नहीं है? ऑप्शन ए इट इज इन राजस्थान स्टेट, ऑप्शन बी इट इज इन नेचुरल लेक, ऑप्शन सी इट इज बिलोंग्स टू द लूनी रिवर, ऑप्शन सी इट सर्फेस एरिया इज 2.2 किलोमीटर स्क्वायर। तो इसका अगर सही आंसर देखा जाए तो फिर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि बाकी सब जो है वो सब सही है। ये नेचुरल लेक नहीं है, ये है आपके आर्टिफिशियल लेक। ये आपके डैम के कंस्ट्रक्शन पे, जो डैम हुआ था आपके लूनी रिवर पे, उसके कंस्ट्रक्शन के वजह से ये बना है। कोई भी रिवर पे जब मान लीजिए कोई डैम बनाया जाता था, आसपास का पानी जम जाता है एक जगह पे, उसे कहा जाता है आर्टिफिशियल डैम। ये डैम बनाया गया था आपके 12th century में और वहीं से बनाया था आपका ये पुष्कर लेक। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो ये वीडियो तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे काफी सपोर्ट मिलता है। आप समझ ही सकते हैं इतना लंबा वीडियो करने में और फिर इसको एडिट करने में, अपलोड करने में काफी टाइम लगता है, काफी मेहनत भी लगता है। तो आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे काफी अच्छा लगेगा। जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे उन्हें थैंक यू सो मच मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, इससे मुझे काफी ज्यादा सपोर्ट मिलता है, मुझे ऐसे ही अच्छे वीडियोस बना के अपलोड करने का और भी मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए और कोरोना के इस मुश्किल वक्त में अपना और अपने फैमिली का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगले वीडियो में।